उग्र प्रताप के बाद वाक सीधु पूरिता शेष सेवक। वाक सीधु पूरिता शेष सेवक, अपने को कहां से पता चले, कौन से उपदेश के कॉरेस्पॉन्डिंग है? थोड़ा सा ध्यान देखो दो वाकी खूबसूरती को। महाप्रभु जी ने जाके ये बात खुलासा करी है कि सर्वानेव गुणान विष्णु, वर्णयन्ति विचक्षणा। ते अमृतोदा समाख्याता तद्वाप्पानम सुदुर्लभम। श्री भागवत पीयूष ने वाक्सीधु पूरिता शेष सेवक, वाक्सीधु पूरिता शेष सेवक। महाप्रभु जी अपने वाणी के अमृत सु अपने जितने भी सेवक हैं उनको वो अमृत को पान करा रहे हैं। कौन से अमृत को पान? कौन को महाप्रभु जी अमृतोदा मान रहे हैं? अमृत पान कराने वाले जो सर्वानेव गुणान विष्णु और वर्णयंती विचक्षणा, उनकी जो विचक्षणता है, उनकी जो क्लेवरनेस है, वो महाप्रभु जी ये मान रहे हैं कि कोई भी भगवान के गुण के वर्णन करने वाले की क्लेवरनेस काय में रही भई है कि जो गुण तुम्हारे हत्थे चढ़ गए हो वाकू सब पे इम्पोज करो, ऐसे नहीं। कोई के हाथ में कोई गुण चढ़ेगो, कोई के हाथ में कोई गुण चढ़ेगो, पर अमृतोदा तुम नहीं हो सकोगे। कोई तुम नदी होगे, कोई नाला होगे, कोई झरना होगे, कोई पसीना के बूंद होगे, कोई खबोचिया होगे, कोई तालाब होगे, कुछ कुछ हो सको, कुछ भी हो सको तुम। 20 तरह के भेद बता दिए महाप्रभु जी ने, पर अमृतोदा अमृत को सागर कौन हो सके है? सर्वानेव गुणान विष्णु। लो या में तुम पार्शियलिटी मत करो, जितने विष्णु के गुण हैं उन सबको यदि तुम वर्णन कर सकते हो तो तुम अमृतोदा हो, तो तुम अमृत पान कराने वाले सागर हो। सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयंती विचक्षणा ते मृतोदा समाख्याता तद वाक्पानम श्री भागवत माने वाक्सीधु पूरिता शेष सेवक। मेरी विनती सुनो, कोटि जन्म के मेरे अवगुण चित मत गिनो, वाक्य सारे गुण को गिनो, मेरे अवगुण को मत गिनो, वाक्य सारे गुणन को गिनो। सर्वानेव गुणान विष्णु और वर्णयंती विचक्षणा ते मृतोदा, वो अमृतो अमृत के सागर हैं, उनकी वाणी को पान करो। जिनके हाथ में एक गुण चढ़ गयो, कोई कोई माने उग्र गुण चढ़ गयो, कोई के हाथ में सौम्य गुण कर चढ़ गयो, वाकी वाक पाणी वाक वाणी सुनोगे ना तो बहुत चांसेस है वो झोंबी नहीं होगा पर तुम झोंबी हो जाओगे। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि सहज संभव है कि वो झोंबी नहीं होए पर वाह वाणी को सुनते 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 तुम जरूर झोंबी हो जाओगे। ये बात महाप्रभु जी समझाए कि सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयंती विचक्षणा ते मृतोदा समाख्याता तद वाक्पानम सुदुर्लभम अजामिला कर्णनवत बिंदु पानम प्रकीर्तितम। क्या ब्यूटीफुल बात कह रहे हैं, अपने का नशा वैसी बात है। ये जो सारी बात है वो अपने महाप्रभु जी के इन दो नामन में क्लब भई है उपदेश की। कौन से दो? वाक सीधु पूरिता शेष और श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम। बात आई ख्याल में? रिमार्केबल बात है ये, जस्ट रिमार्केबल बात है कि कैसे ढंग से गोविंद दास जी और गोसाई जी, खास करके गोविंद दास जी तो गोसाई जी जो कर रहे हैं वाकी व्याख्या कर रहे हैं, पर गोसाई जी ने कैसे नाम घड़े है, कौन से उपदेश के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नाम घड़े है, वो खूबसूरती अपने को देखनी चाहिए। तीसरा नाम महाप्रभु जी का आ रहा है तत्सार भूतरा शास्त्री, ये दो नाम यहां क्लब हो गए।
तीसरा नाम आ रहा है तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। वाक्य उपदेश कॉरेस्पॉन्डिंग उपदेश क्या है महाप्रभु जी को, ध्यान से देखो। ये नाम है सर्वता को, सर्वात्मकता को कॉरेस्पॉन्ड करते भय। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, सर्वस्यापि भगवद रूपत्व, सब कुछ भगवद रूप है, मूर्ति क्यों पूजनी, जरूरत क्या है मूर्ति पूजने को, अरे मत पूजो मूर्ति को, कमन सबकी पूजा करके बताओ। कोई दिन एक गधा को लाओ सिंहासन पर बैठाओ घर में, कोई घोड़ा को लाओ, एक सुअर को लाओ, कोई दाऊद को ला के बैठा दो सिंहासन पर, कहा सर्वस्य भगवद रूपत्व, तुम्हारी से मर्डर करके जाएगो, ऊंची ऊंची करेगो गधा। सर्वस्य भगवद रूपत्व, ध्यान से समझ में आ रही है, सर्वस्यापि भगवद रूपत्व, सब कछु भगवद रूप है, फिर मूर्ति पूजा में विशेषता क्या है, तो वो बताते भाई महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एतावान मूर्तो विशेष एनम उद्धरिष्यामि इति तदा मृदा देह प्रादुर्भूत। गधा को ऐसी इच्छा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार करे, वाकू होची होची करके घास खाने की इच्छा है, डंडा खाने की तो इच्छा नहीं जोएगी डेफिनेटली, पर वाकू कम से कम होची होची करके घास खाने की इच्छा है, तुम्हारे उद्धार करने की इच्छा नहीं है। और भगवान को जा बखत ये इच्छा हुए कि मैं या जीव को उद्धार या रूप सु करूं, तो जैसे तुम मट्टी सु पैदा भए हो, ऐसे भगवान को तुम मट्टी सु पैदा करो, तदा मृदादे प्रादुर्भूत। लोग रोते रहे कि भगवान ने इंसान को बनायो, हम भगवान को बना रहे हैं, अरे डैमिक बेवकूफ हो तुम, तुमको सर्वात्मकता को रहस्य नहीं मालूम है, सर्वात्मक भगवान को हम बना रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मूर्ति जो जाकू हम जो है वो सेवा के लिए पधरा रहे हैं, वह मूर्ति ने हमको बनाया है, वह मूर्ति को तो हम बना रहे हैं, मूर्ति कृत्वा तुम बनाओ मूर्ति, तुम्हारे भजनी परमात्मा की मूर्ति तुम बनाओ, तुम्हारे भजनी परमात्मा की तुम मूर्ति बनाओ, और वह मूर्ति के साथ तुम भजन को खेल शुरू करो कि वो तुम्हारा भगवान है, तुम वाके भक्त हो। अब हमें घबराओ मत, क्योंकि खेल शुरू करने के लिए कोई स्टेडियम तो चाहिए, कोई मैदान तो चाहिए, वो मैदान कौन सा है, सर्वात्मकता को, कि ब्रह्म सब कछु है, ब्रह्म की सर्वात्मकता के मैदान में जा वक्त तुमने एक मूर्ति घड़ी, भूमि को जस दीनो तुमने, या भूमि पर तुमने भजन ही नहीं किया, या भूमि पर तुमने भगवान भी घड़े है, भूमि को कितना बड़ा जश है कि जो भूमि भगवान से पैदा भई है, वह भूमि में ऐसे प्रहलाद ने जैसे नरसिंह जी को काढ़ो, ऐसे तुम भी काढ़ सको। और महाप्रभु जी वही उदाहरण दे रहे हैं वहां कि थंबा में से नरसिंह जी कैसे निकले, तो वहां थंबा में से जो नरसिंह जी निकले, कोई भगवान को कोई स्पर्म वहां थंबा में रोपियो भयो तो कि क्लोनिंग भई थी वहां, कि वो थंबा कोई ओवम हतो, कुछ भी नहीं हतो। पर जो सर्वात्मक है वो ईएनपी के कतर है, अणु से लेके और या बॉडी तक में, अब यहां ईएनपी कहां दिख रहे हो, कोई भी पैथोलॉजी में जाके अपनी टेस्ट करा लाओ, कहीं ईएनपी नहीं मिल रहे हो, डॉक्टर मिलता है बॉडी की पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में,
ENP तो नहीं मिलता है ना, तो ENP मिलता नहीं है तो क्या एब्सेंट है ENP? कोई बेवकूफी ऐसी बात करेगा आज की तारीख में कि नहीं मिलता है पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में इसलिए ENP नहीं है, ये तो कोई जॉम्बी कह सके, कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं कह सके ना। और टेस्ट कराया ना, 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 ना यूरिन में मिलेगो, ना स्टूल में मिलेगो, ना ब्लड में मिलेगो, ना थूक में मिलेगो, कोई चीज में ENP नहीं मिलेगो। तो मौजूद है कि नहीं, ब्रह्म ही वतादृशम यस्मात् सर्वात्मकतयो दितो निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तत् शास्त्रे तयो कृता। ये रहस्य महाप्रभु जी, या आखो एक उनको उपदेश और या तरीके के उनके नाम को घड़ के और ये सारो प्रकट भयो है। और वाकु अपन पैरामीटर बना के और साइकोलॉजी को देखें ना, तो वो पीरियोडिकल टेबल अपने वल्लभ मार्ग की पुष्टि पुष्टि मार्गी साइकोलॉजी को पीरियोडिकल टेबल या तरह से बन सके, वो मैंने कोशिश करी है। या को सारा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है, करें तो 4-5-6 दिन निकल सके, या मैं इतना लंबो है चक्कर। और पाछी दूसरी लफड़ा ये है कि कंप्लीट नहीं है पाछो, ये कंप्लीट नहीं है। या को कंप्लीट मानोगे तो तुम जॉम्बी हो, मैं जॉम्बी नहीं हूं। ये तो एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया कि या तरीके से पीरियोडिकल टेबल इमोशन को भी बन सके है। अपनी जो सिस्टम है वो जा तरीके की थियरी कुपरी सपोज कर रही है, वह थियरी कुपरी सपोज करके या तरीके की अपनी इमोशनल साइकोलॉजी की सारी साइको एनालिसिस अपन या तरह से कर सके हैं। जब ये बात अपन देखें ना, थोड़ो सो कल को एक प्रश्न डील कर लो। यू सेड दैट इफ मूर्ति विच हैज नॉट बीन पुश्ड इज कैप्ट बिसाइड अवर ठाकुर जी, देन अवर ठाकुर जी छू नहीं जा रहे। जाने पूछे वो मौजूद है कि नहीं? अच्छा ऑनलाइन है, अच्छा अच्छा सुन रहे हो कि नहीं? कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ को है? हाँ? अच्छा अच्छा सो यू सेड दैट इफ मूर्ति विच हैज नॉट बीन पुश्ड इज कैप्ट बिसाइड अवर ठाकुर जी, देन अवर ठाकुर जी छू नहीं जाए, देन इफ समवन क्लोज रिलेटिव फ्रेंड हु डज सेवा ऑफ सच मूर्ति कम्स टू अस एंड टेल्स अस टू डू सेवा, देन एज पर श्री महाप्रभु जी प्रिंसिपल कैन वी डू सेवा ऑफ सच मूर्ति? देखो कल मैंने यह बात को ऑलरेडी खिलौना के झारी के सबके एग्जाम्पल से समझाई दियो, तो फिर भी ये प्रश्न उठ्यो है तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि चलो वह ठाकुर जी की सेवा मत करो जो पुष्ट नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा करोगे कि नहीं? माँ बाप को ठाकुर जी के पास जाने दोगे कि नहीं? अपने वाइफ की सेवा करोगे कि नहीं? और वाइफ है तो हस्बैंड की सेवा करेगी कि नहीं? वह हस्बैंड वाइफ अपने ठाकुर जी के पास एक दूसरे को जाने देंगे कि नहीं? नहीं तो उनको भी महाराज जन के पास ले जाओ कि महाराज पुष्ट करो या कुछ सेवा में नवा ना। पुष्ट बीए के बिना ठाकुर जी के पास जा ही नहीं सकते हो, तो बहुत लोचा हो जाएगा। एक एक को पुष्ट करने बैठेंगे महाराज तो फना हो जाएंगे, गरीब महाराज ही बेचारे, किरीट भाई कर सके, महाराज की सामर्थ्य तो नहीं है ना इतनी। तो एक बात समझो कि जितने पुष्टि मार्गी हैं, जितने पुष्टि मार्गी हैं इंक्लूडिंग हम महाराज, शादी में गणपति जी की पूजा करें कि नहीं करें? गणपति की पूजा तो करें ही है, कुलदेव की पूजा करें, कुल देवी की पूजा करें, वो सब कर सके हैं। और महाप्रभु जी जो कह रहे हैं कि सर्वात्मक होने के कारण भगवान को सिर्फ रूप तुम प्रकट करो, मूर्ति करो और बाकी सेवा करो, गुरु मिलते हो तो गुरु से पुष्ट करा के करो और गुरु नहीं मिलते हो तो खुद भी सेवा करो, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वरूप है,
वह कृष्ण रूप की सेवा नहीं हो सके, यासु झोंबीपन ज्यादा क्या हो सके? मुकु बताओ, यासु बड़ो झोंबीपन क्या हो सके? जबकि गोपीनाथ जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि गुरुदत्ता स्वयं लब्धा भक्त ही सुपूजिता व्यंगांगी में अपि सेवेत यदि भाव न बाधते, वो कृष्ण की ही मूर्ति अलाउड नहीं है, बाकी सबकी सेवा कर सके। जा कृष्ण की मूर्ति को, सेवा को अपनो जस्टिफिकेशन क्या है कि सब कछु कृष्ण है, या लिए मूर्ति भी कृष्ण है, या लिए मूर्ति भी कृष्ण है, या लिए मूर्ति की सेवा करी जा सके है, वह कृष्ण की मूर्ति को हम गुसाइयन के जैसे निठल्ले आदमी के पुष्ट करने या ना पुष्ट करने से कृष्ण की सर्वव्यापकता खंडित हो जाएगी। खूणा छोड़ी ने भाइयों ने बहनों होएगो, अक्कल तो वापरो यार, कौन ने समझा दी बात ये? कुछ लोग नए आए होंगे, ये मेरे पेटेंट जो कह हो, जो नए आए हैं उनको फिर से सुना दूं, यद्यपि सरदार जी के नाम को है और बदमाशी को जो कह, कोई सरदार इतना बेवकूफ नहीं, अपन हिंदू बेवकूफों में, पर सरदार के लिए ऐसे जो कह जाए है कि सरदार जी जो है वो प्रवचन देने गए, भाषण देने, और भाषण के में ऑडियंस में उनकी पत्नी भी बैठी थी, तो उनको प्रॉब्लम भाई कि भाइयों और बहनों कहने कैसे, तो सरदार जी ने कही कि एक कोना छोड़ के भाइयों और बहनों, सारी ऑडियंस उनको प्रवचन सुनने के बजाय वो कोना देखने लग गई कि कोना में क्या चक्कर है सरदार को। ऐसे एक कोना छोड़ के ठाकुर जी सर्वरूप है, कृष्ण को रूप छोड़ के कृष्ण सर्वरूप है, कृष्ण के रूप में कृष्ण सर्वरूप नहीं है, तो अक्कल के ही सरदार है ना अपन। या रहस्य को अपने को समझना चाहिए। पुष्ट करनो, एक बात ध्यान से समझो, पुष्ट करनो अपने यहां की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तहत खड़ी करी भाई, कोई व्यवस्था है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो यह है कि कृष्ण सर्वात्मक है और वो पुष्ट हो तो होए, तो वो एज पर माने प्रैक्टिकल अपने जो रिचुअल है वासु करो, नहीं हो तो होए तो अपने आप भी, क्योंकि पुष्ट करनो कृष्ण के लिए है, कृष्ण पुष्ट होने के लिए नहीं है। गुरु भी जो है तो कृष्ण सेवा के उपदेश के लिए है, गुरु बनाने के लिए अपने यहां कृष्ण सेवा नहीं है। ये रहस्य अपने को समझना पड़ेगा। यदि अपन ये रहस्य नहीं समझ रहे तो अपन जॉम्बी 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 108 बार जॉम्बी है। ये रहस्य समझो, गुरु जो है वो कृष्ण सेवा के उपदेश के लिए है, वो गुरु जो है वो कृष्ण के स्वरूप को पुष्ट करने के लिए है, गुरु जो है वो जीव को कृष्ण सेवा में प्रवृत्त करने के ब्रह्म संबंध देने के लिए है, पर कृष्ण गुरु के लिए नहीं है। ये रहस्य तो अपने को समझना ही पड़ेगा। यदि महाप्रभु जी को समझना अपन नहीं समझ रहे हैं तो अपन महाप्रभु जी के जोंबी हैं, महाप्रभु जी के सेवक नहीं है। महाप्रभु जी की वाणी अपनो अमृत के तरह अपने हृदय में उतर नहीं रही है। वाक सिद्ध पूरिता शेष सेवक अपने अर्थ में महाप्रभु जी नहीं है। ते मृत्युदा समाख्याता तद्वाक पानम सुदुर्लभम, ये आखो रहस्य यदि एक बार समझ जाओगे तो सारो महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ में आएगो, और ये रहस्य नहीं समझ में आयो ना तो बरसन सुनते रहो आप मुकु, बरसन में आपके सामने रहकतो रहो, पर वो आपको कोई फायदा नहीं। एक निश्चित बात समझो कि गुरु भगवान के लिए है, भगवान गुरु के लिए नहीं है। इन नटशेल, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य के लिए है, स्वस्थ होना डॉक्टर के लिए नहीं है। कोई कोई डॉक्टर को एडिक्शन हो जाए कि वह डॉक्टर के बिना तेरे बिना जिया लागे ना हमार, हमको चल हॉस्पिटल में एडमिट कर, वो ट्रीटमेंट कर, काय की ट्रीटमेंट होगी? जब तुम डॉक्टर के बिना तुम्हारा जिया नहीं लग रहे हो है, तो तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। सॉरी हाँ डॉक्टर, डॉक्टर के लिए स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर है। ओके नहीं, आर यू श्योर? ये रहस्य समझो। खैर, कल की बात को
ये मैंने या कि डिटेल में तो जाने को अपने पास समय नहीं है, सो अपन नहीं जाएंगे। एक बात, जहां टॉपिक को अपन छोड़ रहे हैं वो है वेद की संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, पुराण, इन सब में उग्रता और सौम्यता को कैसे निरूपण कियो है वो अपन टेकल नहीं कर पाएंगे, लाचारी है, अपने पास टाइम की लिमिटेशन है। पर वह टॉपिक को टेकल करने को जो एक सूत्र है वो सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो सूत्र याद रखोगे तो अपने आप भी टेकल कर सकोगे। ऐसी बात नहीं है कि सारो विवेचन मोसो ही सुनना जरूरी है, वो सूत्र को आप समझ रखोगे तो पता चल जाएगा। और वो सूत्र कई लोगों को बहुत शॉकिंग लगेगा, कई लोगों को बहुत अनपैलेटेबल लगेगा कि ऐसा सूत्र नहीं होना चाहिए। मैंने वह सूत्र को जस्टिफाई करने वाले वेद के, उपनिषद के, गीता के, भागवत के, शिव पुराण के, शक्ति पुराण के सब वचन यहां इकट्ठे करके लाया हूं, पर सॉरी टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो वो सब भी अपन डिस्कस करते। पर वो सूत्र जो है वो सूत्र खाली मैं आपको सुनाना चाहूं। वेद, उपनिषद सब यह बात से कन्विंस्ड हैं कि सारी सृष्टि ब्रह्म से पैदा भई, सारे देव, सारे असुर, सारे प्राणी, सारे लोग, सारे नियम धर्म अधर्म के ब्रह्म से पैदा भय, और वह ब्रह्म ने अपने साथ लीला करने के लिए अपने देव रूप प्रकट किए। जो मैं बात आपको अपने प्रवचन की शुरुआत में बता चुके हो कि दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, 10 तरह के फंक्शन करने पे कोई वस्तु में देवता पनो आवे है, और वो देवताएं जो प्रकट किए। और वेद या बारे में बिल्कुल भ्रांति रहित है कि भगवान ने शुरुआत, ब्रह्म ने शुरुआत में 3 ही देवता प्रकट किए, चौथा देवता प्रकट कियो नहीं। एक देवता प्रकट कियो पृथ्वी पे अग्नि, दूसरो देवता अंतरिक्ष में प्रकट कियो वायु, तीसरो देवता द्युलोक में प्रकट कियो सूर्य, वाके अलावा चौथे देवता है नहीं। चौथा देवता नहीं है वेद के हिसाब से, अपन क्यों हार्ट अटैक आने जैसी स्थिति लगे हो, यदि चौथा देवता नहीं है तो क्या भयो इन सारे देवताओं को। वेद खुद यह बात को कह है कि इन देवताओं के सारे नाम है, और जितने नाम है इन देवताओं के अनेक अनेक नाम है, और ये जो 3 नाम है पृथ्वी पे अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और द्युलोक में सूर्य, इनके सब नाम है। जैसे सूर्य को नाम विष्णु है, अग्नि को नाम रुद्र है, इनकी जो भी लीलाएं हैं वो इन देवन की लीलाएं हैं। भागवत को अपन चेक करेंगे तो देखो, ध्यान से देखो कि अपने भीतर अहंकार रुद्र है, कोई ब्रह्मा है, कोई नारायण है, जहां भी हैं ये 3 ही देवता हैं। माने नारायण कहो, आदिशिव कहो, 3 देवता के अलावा रूप नहीं है। इन 3 देवतान में से सारो मल्टीप्लीकेशन देवतान को भयो है। अब उन देवतान को पुराणन ने वर्णित किए पीरियोडिकल चार्ट की तरह, उन देवतान को कुछ लोग मिथ्या माने झोंबी पने के कारण कि पुराण वर्णित देवताएं या लिए मिथ्याएं क्योंकि वेद ने 3 देवता कहे, और अपन को इतने झोंबी हैं अपन
कि वो पुराण है अपने को समझ नहीं आवे, पुराण स्पष्ट कह रहे हो या बात को कि यदि तुम शिव हो तो ये पृथ्वी, ये वायु और ये सूर्य शिव हैं, यदि तुम वैष्णव हो तो ये पृथ्वी, ये वायु और ये सूर्य नारायण है, यदि तुम देवी के भक्त हो तो ये ही पृथ्वी और वायु और सूर्य देवी हैं। अब अपन को ये लगे कि यदि ये पृथ्वी, सूर्य और वायु यदि देवी हैं, तो इनमें से देव भय, ये देवी है पैदा भय कि देव में से ये तत्व पैदा भय। वेद ने याको भी बहुत मीठो खुलासा कर दिया है कि तुम मेरे से पूछ रहे हो कि कौन पहले भय हो, कौन बाद में भय हो। कोई भी जो साइक्लिकली आ रहे हो, कतरा पूर्व कतरा उत्तरा कथन वक्तव्यम, वो कह के रात और दिन की तरह ये पैदा हो रहे हैं, एक को पैदा कर रहे हैं, एक में से दूसरा पैदा हो रहे है, दूसरे से तीसरा पैदा हो रहे हो, पाछे दिन से रात पैदा हो रही है, रात से दिन पैदा हो रही है, वहां में तुम मसू पा रहे हो कि दिन ने रात को पैदा किया कि रात ने दिन को पैदा किया, मैं कैसे बताऊं। मतलब जिनको अपन ने पौराणिक देव समझे उनसे ये तीन तत्व पैदा हुए। गीता को देख लो, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच, भूमि आप अनल वायु खम्मनो बुद्धि रेवच आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि रंशुमान। कृष्ण भी यही बात कह रहे हो, कोई नई बात नहीं कह रहे हो। अपने स्कूल अंग्रेजन ने ये बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि तुम्हारे पुराण सारे मिथ हैं, मिथ है मने परीन की कथाएं, और अपने समझ में आ गई कि पुराण सब मिथ की कथाएं। अपनो पुराण भी यही कह रहे हो है कि ये जो भगवान के जो मूल तीन रूप हैं अपने साथ खेलने के लिए प्रकट भय, जो तीन रूप अपने साथ खेलने के लिए प्रकट भय, वो देवतान में से प्रकट भय है, देवता इनमें से प्रकट भय है, वाको डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो थंबा में से नरसिंह जी भी पैदा हुए, शिवलिंग में से रुद्र भी पैदा हुए, और देवी की मूर्ति में से माँ पावा ने गढ़ थी उतरिया माँ अंबाजी, तो पावा ने गढ़ में एवं तो शू खासियत है कि अंबाजी ने पावागढ़ जो है लावागढ़ में थी केम न उतरे। अपन वेद समझ नहीं पावे, अपन पुराण समझ नहीं पावे, अपन अपना शास्त्र गीता समझ नहीं पावे। वेद स्पष्ट या बात को खुलासा कर रहे हो है कि हमें कौन पहले और कौन पीछे, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि देव में सु तत्व पैदा हो रहे हैं, तत्व में सु देव पैदा हो रहे हैं। वह बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वस्यापि भगवद् रूपत्वात् एतावान् विशेषः एनम् उद्धरिष्यामि तदा मृदादेव प्रादुर्भूत कृष्ण, मट्टी में सु पैदा होने वाले कृष्ण की सेवा करो। बात समझ में आई, क्योंकि पृथ्वी जो है वो भगवान को दैवी रूप है, जल जो है वो भगवान को दैवी रूप है। जितने शिव पुराण के वर्णन देखोगे वहां में पंच महाभूत तत्व और अपनो मन और अहंकार और आत्मा शिव को रूप है, शिव को दैवी रूप है। जितने वैष्णव पुराण देखोगे वहां में ये सारो आठों तत्व, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रिष्टता अपरे अमितस्तु अन्यां प्रकृतिम विद्धि मुहे पराम जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, ये मेरो रूप है, ये मेरे दैवी रूप है। दैवी रूप क्यों कह रहे हैं भगवान इनको, कि या तरह से मैं तुमसे खेल रहे हूं, तुम मुझसे या तरह से खेलो। और अंग्रेज लोग अपने को बेवकूफ बना गए, अपन समझे कि पुराण सब परी की कथाएं, अपने को दिव्य सत्य समझ नहीं आ रहा है कि ब्रह्म अपने साथ खेल कैसे रहे है, ब्रह्म अपने साथ खेल कैसे रहे है, खेलने के लिए वहां ने ये सारे दैवी रूप प्रकट किए हैं। अपने मन में कहीं ये भ्रांत धारणा घुस गई है कि ये जो जगत है ये सर्वात्मक ब्रह्म को सर्वरूप नाम रूप कर्म को विस्तार नहीं है, और ये जो है वो कोई शैतानी कोई माया कोई अविद्या का विस्तार है। वाकेली अपने को ये सारी भ्रांति सताती हुए है, वाकेली भ्रांति सताती हुए करके निरंतर अपन कहीं कहीं और खोजना चाहे कि अच्छा या मैं नहीं, कुछ और बताओ क्या है, और कुछ और मिलेगा क्या, कहां से मिलेगा। भगवान ने जो तुमको प्रोवाइड कियो, भगवान ने जो तुम्हारे को दैवी रूप प्रोवाइड कियो, वाकु तुम देव मानने तैयार नहीं हो। मेरे से एक वक्त जबलपुर में एक भाई ने पूछी
11 साल से सेवा कर रहे हैं पर अभी तक भगवान के दर्शन नहीं भये, और कंस तो इतना भगवान से द्वेष करता था, वाकु तो भगवान ने दर्शन दिए, मैंने कहा तो दर्शन नहीं दिए तो तुमने सेवा कौन की करी ये तो बताओ। बोले नहीं 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 सेवा तो करी वो तो ठीक है, पर वो क्या हुआ, यदि दर्शन नहीं दिए तुमको तो सेवा करी कौन ने तुमने 11 साल तक, और 11 साल सेवा करी फिर भी तुम कह रहे हो दर्शन नहीं भाई, तो देखाती आंखें आंधलाए ने आंखें ना देखाए मसारी, ओ मारी तारी झोपड़ी दिवेल पूरी दिवल की दो आंखें ठंडक थाए। करनो क्या तुम्हारो इलाज, करनो कहां से इलाज, कहां से करनो, कैसे करनो, सब कुछ समझावे फिर भी तुमको दिखे नहीं, सब कुछ समझावे फिर भी तुमको मानने में नहीं आवे। महाप्रभु जी विचार कहे तदा मृदादे प्रादुर्भूत कृष्ण, अपन कह के नहीं नहीं, वो श्यामदास जी के और उनके शागरिया बाबा के एक दिन बड़ा मजेदार संवाद भयो नाथ द्वारा में, कि श्यामदास जी तुम जो है वो नित्य लीला स्थित गोलोक में विराजमान पुरुषोत्तम को साक्षात पुरुषोत्तम मानो के श्रीनाथ जी को पुरुषोत्तम मानो, वो कह रहे थे कि ऐसा ये साक्षात श्रीनाथ जी ये ही पुरुषोत्तम है, नित्य लीला में कोई गोकुल में गोलोक में पुरुषोत्तम है नहीं, नहीं शागरिया बाबा, क्योंकि बाबा खतमान नाथ द्वारा में शागरिया बाबा थे ना, अब नहीं माने वो बाबा शागरिया बाबा थे या लिए बाबा उनको मानते थे, अब तो नए श्रीनाथ जी माने। तो श्यामदास ने कह दी कि ऐसा है बाबा के ये तो हैं पर ये तो भूलोक पे स्थित हैं, पर जो नित्य लीला में स्थित हैं वो साक्षात पुरुषोत्तम है, और शागरिया बाबा की मेरे पास वो रिकॉर्ड है, हे श्रीनाथ जी हे श्रीनाथ जी क्या कुछ मर रहे हैं कि है क्या, हे श्रीनाथ जी हो क्या रहे हो, दिखाती आंखें आंधड़ा है आंखें ना दिखाए। महाप्रभु जी ये भेद नहीं कर रहे हैं, वेद ये भेद नहीं कर रहे हो, पुराण ये भेद नहीं कर रहे हो, गीता ये भेद नहीं कर रही है, ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितो निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तत् शास्त्रे तयो कृता, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। सर्वस्यापि भगवद् रूपत्वात्, अंतर जो पढ़ रहे हो वो जैसे मल्टीपल लेवल ऑफ इमोशन है, वाके पार्ट में कोई इमोशन बदल रहे हो, गधा के रूप में जा बखत है वाको इमोशन होची होची करने को, कोई गधैया के लिए जा बखत मूर्ति के रूप में प्रकट हो रहे हो, वा बखत वाको इमोशन ये है कि एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादेह प्रादुर्भूत, तुम्हारो हाथ पकड़ के तुम्हारो उद्धार करना चाह रहे हो, वाको इमोशन बदल रहे, तुम्हारो इमोशन बदलना चाहिए कि अच्छा मेरा उद्धारक रूप ये है ये है ये है ये है, कोई अपने को समझा जाए कि मूर्ति पूजा जो है पत्थर की पूजा है, और या के बजाय तो ध्यान धरो, अरे ध्यान धरेंगे तो मन में धरेंगे, वो ध्यान धरना कभी आधि दैविक हो सकता, तो आज तो वाके बायोकेमिकल कारण मिल रहे हैं, तो पत्थर बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिकल फिनोमिना के बजाय पत्थर छोड़ो तो पत्थर में थोड़ी तो लिंगरिंग ऑन ज्यादा है ना, थोड़ी तो टिकने की ज्यादा शाकत है, ये बायोकेमिस्ट्री तो कोई इंजेक्शन से भी खत्म हो सके और पैदा हो सके, बेवकूफ बना दें अपने को, अपन फिर बेवकूफ बन जाए कि हाँ पत्थर की मूर्ति भजने के बजाय जो है वो मन की मूर्ति को ध्यान धरो, मन की मूर्ति क्या है, मन की मूर्ति क्या है, एक इंजेक्शन से सारा वाकू कोमा में डाले जा सके, वो भगवान भी गायब हो जाएगा, जो भगवान की मूर्ति तुमने मन में घड़ी घड़ी एनेस्थेसिया एक लगायो ना, मन भी गायब भगवान भी गायब, सबके स्विच ऑफ, तुम्हारे को एनेस्थेसिया लगाने से ठाकुर जी की मूर्ति तो गायब नहीं हो जाएगी, दिखाती आंखें आंधड़ाए ने आंखें ना दिखाए, इतना अक्कल की बात नहीं सोच पावे, बात समझ में आई ना, अपना जो आखो सिद्धांत है तो इन बातन को लेके है तो वाके लिए बहुत अच्छा बात क्या है, यास्क एवं उच्चावचयी अभिप्रायी ऋषिणाम मंत्र दृष्टयो भवन्ति, ऋषिन के अभिप्राय जो हैं
वो उच्चावच दृष्टि सु हैं। उच्चावच दृष्टि का मतलब क्या, एको हम बहुश्याम प्रजायेय उच्चावच भावे न जायेय। भगवान ने जो बहुश्याम प्रजायेय उच्चावच भावे न जायेय सृष्टि प्रकट करी, उच्च और अवच माने समान, एक फ्लैट है तो प्लेन फ्लैट है, वहां में कुछ ऊंचो कुछ नीचो हो रहे है, ऐसे उच्चावच भाव सु भगवान ने प्रकट होने की इच्छा करी। ऋषिन के अभिप्राय में वो उच्चावच भाव प्रकट भयो है कि कोई चीज ऊंची है कोई चीज नीची है, कोई के लिए कोई चीज ऊंची है कोई के लिए कोई चीज वही नीची भी है। जैसे एवरेस्ट अपने लिए बहुत ऊंचो है पर प्लेन के उड़ने के लिए नीचे देखेगा, ऐसे एकदम क्षुद्र हो। जैसे अपन जूता देखे ना, जूता देखे ऐसे एवरेस्ट देख सको तुम, अपने लिए टोपी पहरी होगी तो गिर जाएगा, इतना ऊंचो है। क्या ऊंचो है क्या नीचो है, कोई के लिए कोई एंगल से कोई चीज ऊंची है कोई एंगल से कोई चीज नीची है। वो ब्रह्म ने या तरीके को उच्चावच भाव से अपने आप को प्रजनन किया है, एको हम बहुश्याम प्रजा ये है। वो दृष्टि ऋषिन को आई कि ब्रह्म निर्दोष सम है, ब्रह्म ने अपनी निर्दोष समता निभाते भय भी उच्चावचता प्रकट करी है। और वाकु ध्यान में रख के ऋषिन ने मंत्र बनाए, या के लिए वो कहे हैं कितनी मीठी बात है, यद देव स यज्ञो, जो देव है वो यज्ञ है, जो यज्ञ है वो देव है, मतलब जो सेवा है वो सेव्य है, जो सेव्य है वो सेवा है। कल मैंने यही लिए आपको समझाया कि जो तत्व है और फंक्शन है, कल क्या मैंने शब्द वापरे तो माने सब्सटेंस और वाको फंक्शन दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। जो फंक्शन है वही सत्व सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है वही फंक्शन है। तो जो यज्ञ है वो देव है, देव है वो यज्ञ है, प्रेम है वो प्रीतम है, प्रीतम है वो प्रेम है। बाहर खड़े भयो प्रीतम है, भीतर आ गए हो तो प्रेम है, भीतर भरे भयो तो प्रेम है, बाहर प्रकट हो गए तो प्रीतम है, भीतर भरे भयो ज्ञान है, बाहर प्रकट हो गए तो ज्ञेय है। ख्याल में आया ना, ब्रह्म ज्ञान भीतर है और ब्रह्म बाहर है। सो जो यज्ञ है सो देव है, जो देव है सो यज्ञ है। या के लिए देवता जैसे यज्ञ को अंग हुए है, ऐसे यज्ञ देवता को अंग हुए, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। सेवा जैसे ठाकुर जी के लिए है, ऐसे ठाकुर जी सेवा के लिए है, स्त्री भाव के दोनों पैरामीटर। वाह वखत ऋषियां कह रहे हो, वाह वखत से ऋषियां कह रहे हैं, अपि ही अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, क्योंकि ब्रह्म ने उच्चावच भाव से प्रकट होने की इच्छा करी। तो शास्त्र ने जिनको देवता तरीके रजिस्टर नहीं कियो है वो भी देवता हो सके। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देव नहीं है, जामाता देवो भव हो। जामाता का मतलब है जो जीम जाए अपने को, सास ससुर को जो जीम जाए, कच्चा वाको नाम जामाता। गुजराती में जो जमवू है ना वैसे ही जामाता शब्द बने, जम जाने वालो। कोई गंभीर बात हो रही है? नहीं नहीं आप जामाता की बात नहीं कर रहे हो, जनरल क्लासिफाइड जामाता की बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तो जमाई को मतलब है जो जम जातो होए, वो जामात्री देवो भव। क्वचित अदेवता पी, मैं भी जमाई हूं, ऐसी कोई बात नहीं, गौरव नहीं करना, मैं भी जमाई हूं। तो क्वचित अदेवता पी देवता व स्तुयन्ते, क्यों क्यों स्तुयन्ते, क्योंकि ब्रह्म को अनेक भवन की जो इच्छा है वो उच्चावच भाव सु है। तो वाको स्काई इज द लिमिट एंड सी को बॉटम जो है वो डेफ है वाकी उच्चावच भाव की। ख्याल में आया ना,
बहुत सुंदर कहे, महाभाग्या देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तुयते। कैसा महाभाग्य है कि एक ही आत्मा कई देवतान के रूप में स्तुति बाकी हो रही है। जितने देवता के रूप में स्तुति हो रही है, वो रिचर्ड डॉकिन अपने को कह रहे हो कि तुमको समझना चाहिए भाई, हमने तो ये 6000 साल पहले बात कही, यदि वे 6000 साल पुराने और 15000 साल पुराने तो 15000 साल पहले कही, और 35000 साल पुराने जैसे तिलक कह रहे हो तो 35000 साल पहले कही, और अनंत अनादि अनंत वाक राशि है तो अनादि अनंत काल से हम तो यही बात कह रहे आ रहे हैं कि एक एव आत्मा देवता तो है ना बहुधा स्तुयते, अनेक अनेक देवता के रूप में एक आत्मा की स्तुति हो रही है। एकस्य आत्मनो अन्य देवता प्रत्यंगानि भवन्ति। जाकु तुमने अपनो देवता मान लियो, जाकु तुमने अपनो देवता मानियो, सारे दूसरे देवता वाके अंग बन जाएंगे। कोई वाको पैर बन जाएगा, कोई वाको कमर बन जाएगा, कोई वाको हाथ बन जाएगा, विराट के रूप में वाके अंग में उनको समावेश हो जाएगा। वो अपन ने बुद्ध धर्म में भी देखो कि जा वक्त बुद्ध जो है वो का विज्ञान भैरव बने तो सब देवता वाके अंग बन जा रहे हैं। आयो, बुद्ध ने नई बात नहीं कही अपने वेद सु, खाली ब्रह्म राग छुपा दियो है, बाकी बात तो वही के वही कह रहे हो कि सारे देवताएं वाके अंग बन रहे हैं, पैर के नीचे हैं, सारे असुर वाके पैर के नीचे हैं, वही तो बात कह रहे हैं। 16 हाथ हैं, 16 हाथ में वाके 6-8 हाथ जो हैं वो उग्र हैं और 8 हाथ जो है वो सौम्य, वही तो बात बुद्ध भी कह रहे हो। और अपिच तीसरे व देवता मेक श्योर, देवताएं सिर्फ तीन है, क्योंकि भगवान ने तुमसु खेलने के लिए ये तीन देव रूप प्रकट किए हैं अपने, इनको पहली बार देव रूप तया उनने प्रकट किए। ये बात उपनिषद में भी कही है, हंता हमिमा तीसरो देवता नाम रूपाभ्याम व्याकरवाणी। इन तीन देवताओं को मैं नाम रूप से व्याकरण कर रहे हूं, इनमें से सब देवता प्रकट होंगे, ये सब देवता में से प्रकट हो जाएंगे। स्टार्ट करो। कौन सा तीसरे देवता? तो कह रहे हैं कि तीसरे एव देवता अग्नि पृथ्वी स्थानी स्थान, अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थान को देवता है, पृथ्वी पे अग्नि देवता है रुद्र। वायु वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानी देवता हैं। सूर्योद्युस्थान, सूर्य जो है वो अपने स्पेस के बाहर जहां वायु नहीं है, आउटर स्पेस में, वो द्युस्थान देवता है। तासाम महाभाग्याद एकैकस्यापि बहुनी नामधेयानि भवन्ति। और ये देवताएं ऐसे भाग्य वाले हैं, भाग्य वाले को मतलब लक वाले, लकी हैं यो नहीं, भाग्य को मतलब भजनीयता वाले हैं। भजनम अर्हति इति भाग्य, जाको भजन हो सके वो भाग्य। अपन भाग्य को भी भाग्य, लक को भी भाग्य, या लिए कहें कि वो अपने लक में जो है वो अपने लिए भजनी है, जो अपने लक में नहीं है वो अपने लिए अभजनी है। लक को भी भजन भाग्य या लिए कह जाए कि वो अपने लिए भजनी है, माने जो तुम्हारे लक में है वासु तुम खेलो। तो वो बात कह रहे हैं कि महाभाग्यात एकैकस्यापि बहुनी नामधेयानि भवन्ति अपिवा कर्म पृथक्त्वात् पृथगेव स्युः। और यदि तुमको कर्म अलग अलग हैं या को भाव प्रकट हो रहे हो तो सारे देवता पृथक पृथक भी हैं। तुम कैसे अप्रोच करना चाह रहे हो तुम बताओ ना। वो बात मैंने बताई कि एनालिसिस करना चाह रहे हो, सिंथेसिस करना चाह रहे हो, सिंथेटिक अप्रोच करना चाह रहे हो तो सब यूनिफाइड हो जाएंगे, एनालिसिस करना चाह रहे हो तो सब वो जो है वो डिवाइड हो जाएंगे इन मल्टीप्लिसिटी, यूनिफाइड करना चाह रहे हो तो पाछे यूनाइटेड हो जाएंगे। ये तो पारा के बिंदु हैं, यों कर दिए तो एक हो जाएंगे, पट हाथ लगा दिए पाछे सब बिखर के छुट्टे पड़ जाएंगे। देवतान को वो सामर्थ्य। अपिवा कर्म पृथक्तात् पृथक स्युः। तुम कह रहे हो कि नहीं, हम जो है वो शिवजी पे बिल्लू पत्र चढ़ाएंगे, तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, और विष्णु पे जो है वो बिल्लू पत्र नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, वो शिव और विष्णु पृथक हो जाएंगे।
अब वो तुरंत तुमको कह देंगे कि नहीं नहीं बिलुपत्र हम पे मत चढ़ाइयो। आया ख्याल में? देवतान के फूल अलग अलग हैं, देवतान के पत्ता अलग अलग हैं, देवतान के स्नान के शुद्धि के प्रकार अलग अलग हैं, देवतान की स्थापना के मंत्र अलग अलग हैं, और सब देवताएं पाछे एक है। ये अपनो वेद को अपनो ये प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल को लेके वेद चलियो है या प्रिंसिपल को वेद लेके नहीं चलियो है, कि ये अपनी परी की कथा है। और वो सारे पुराण जो है वो या कथा को समझा रहे हैं अपने को, जो अपने को समझ नहीं आवे। महाप्रभु जी समझाए तो समझ नहीं आए, तो बेचारे पुराण और वेद तो सब आउटडेटेड है ना। पृथक विधा स्तुतयो भवन्ति, हर देवता की स्तुति भी अलग अलग जात की हो सके। कोई को रुंड मुंड खप्पर खर धरणी कर धरणी कर धरणी जगत जननी भवानी, और कोई वेणु वेत्र धारण करनी, क्या लफड़ा हो गया। तो भी पृथक भवन्ति, घबरा क्यों रहे हो? जो स्तुति है वो देवता है, जो देवता है वो स्तुति है, क्योंकि सर्वं खलु इदं ब्रह्म। यास्क कह रहे हो तुम मेरे से पूछोगे कि देवता है फिर एनर्जी है कि पर्सन है? अरे पुरुषा अपि भवन्ति अपुरुष विदा अपि भवन्ति, वो एनर्जी के फॉर्म में भी है और पर्सनिफाइड भी है। ये प्रॉब्लम तुमको है कि जो पर्सन है वो फोर्स नहीं हो सके है, जो फोर्स है वो पर्सन नहीं हो सके। पर मैंने निरंतर यही लिए हैमरिंग कर करके समझा रही हूं कि वर्ल्ड WW जो है वो मोबाइल हो जा रहे हो, और मोबाइल जो है वो WW हो जा रहे हो, और रेडियो वेव जो है वो तुम्हारा डब्बा बन जा रहे हो, और वो डब्बा जो है वो रेडियो वेव बन रहे हो। वो पर्सन भी है और वो फोर्स भी है, एनर्जी भी है, वही मैटर भी है पुरुष। बोले समझ में कैसे आएगो? यास कह रहे बात कैसे समझ आएगी? करे नर राष्ट्र में वो बहुत ही, नर पर्सन है, राष्ट्र कोई पर्सन है? माने सिटीजन एंड नेशन कैसे हुए? जैसे हुए ऐसे समझ जाओ। माने द यूनिफाइड सिटीजन्स आर नेशन, और डिवाइडेड नेशन इज सिटीजन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड नेशन? नर राष्ट्रमिव भवति, झाला क्या है? माथा, कंधा, हाथ, पेट, छाती, पैर, डिवाइडेड कर दियो, हर अंग अलग अलग हो गया, मैं झाला गायब हो गयो। इन सब को यूनिफाइड कर दियो, पाछा झाला प्रकट हो गया। इतनी सी तो बात है। कितनी इनसाइट की अपनी दृष्टि है, फैंटास्टिक फैबुलस दृष्टि है अपनी। इनको कौन खंडन करेगा? कौन से साइंटिस्ट के बाप की ताकत है कि अपनी आबाद को खंडन करे? अपन ने धर्म की आभा में कोई बात नहीं कही है, अपन ने वाइडेस्ट रेंज में बात कही है कि कोई के बाप की ताकत नहीं है कि इन 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 कंसेप्ट को कोई क्रिटिसाइज कर सके। अपन देव की भी भाषा बोल रहे हैं, अपन मेटाफिजिक्स की भी भाषा बोल रहे हैं, अपन नेशन और पॉलिटिक्स की भाषा में वो बात कह सके हैं। कोई लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जहां में अपन अपनी भाषा प्रकट नहीं कर सके। एक बात धन से पुष्टि मार के गंभीर गंभीर सिद्धांत में आपके सामने फिल्म गाना बना के क्यों बता दूं? भाई तुम्हारे को देखना आना चाहिए। जो चीप फिल्मी गाना है वहां में भी पुष्टि मार के कई सिद्धांत तुमको खोजने की दृष्टि होए ना तो मिल सके, नहीं मिल सके ऐसी बात नहीं है। कई लोगों को ऑब्जेक्शन है कि महाराज फिल्मी गाना क्यों गाओ, कितनी फिल्म देखो? मैं देखो ही नहीं जाऊं फिल्म, मुझको शौक ही नहीं है। अंग्रेजी फिल्म देखूं पर बंबईया फिल्म को नहीं देखूं, क्योंकि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुड़के हीरोइन, तो मुझको बेचैन हो कि यदि मेरी हीरोइन ऐसे गुड़के तो मैं कैसे साथ गुड़कूंगा, के खाली में देखने को रिस्क ही नहीं लो। वो गुड़कते ही और झाड़ के पीछे छुप जाए और फिर धप आके प्रकट हो जाए, ये मुझको सब नाटक देख के बड़ी घबराहट हो जाए फिल्म में। यह नाटक को कैसे देखना? मरीन ड्राइव के पाल पे दौड़ती भाई मिले,
अरे ऐसे कोई दिन कोई दौड़ती मिल जाए तो मैं पहले भग जाऊं कि भाई तेरे अपने छुट्टी गुड बाय। ऐसी कोई दौड़ती हीरोइन हो मैं, कोई पागल हो मैं ऐसी कोई क्रैकपॉट ऐसे दौड़ती हो मैं कोई नरीमान के पाल पे फिल्मी गाना गाते गाते दौड़ रहे हैं कि तू छुपी है कहाँ रही। अरे छुपी क्या, मैं छुप जाऊंगा यार, तू काहे को छुप है। मैं देखू ही नहीं यार लिए, पर मैं या बात को समझाना चाहूंगा आपको कि सिद्धांत अपनो समझ न होए, कहां नहीं समझ सके हैं, कौन सी जहां है जहां मिलते माशूक नहीं, शौक दीदार नजर है, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर, सब जगह मिल सके सिद्धांत, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब कछु नर राष्ट्र में वह भवती। तासाम फाइनल भक्ति साहचर्यम, कोई भी देवता आपको सहचर कब बनेगो, आपके साथ चलने वालों हमराह कब बनेगो, यदि आपके दिल में भक्ति है तो वो देवता जाकू आपने देवता तरीके मान्य कियो वो आपको हमराह है, और आपकी भक्ति खंडित भई तो वो देवता आपको हमराह नहीं है, वो पाछो सर्वव्यापी हो गयो राष्ट्र की तरह, वो आपके लिए पर्सोनिफाइड रूप में नहीं रहे हो, आपके साथ कब चल रहे हो कि जब आपको वा में भक्ति है, आपको वा में भक्ति है तो वो देवता आपके हम कदम है, हमराह है, मेरे हम सफर है, मुझे हम सफर बन के दगा न दे, अपन वा देवता से कंप्लेंट भी कर सके, पर वो कब कि जब आप में भक्ति है, तासाम भक्ति साहचर्यम भवती, या सिद्धांत को वेद ने, उपनिषद ने, पुराण ने, गीता ने, शिव पुराण ने, शक्ति पुराण ने, भागवत पुराण ने, लिंग पुराण ने, रामायण ने, महाभारत ने, सबने ये सिद्धांत समझाया है। वाकई मैं कई सारे पैसेज लाया हूँ कोट करके, पर आज अपने पास टाइम नहीं है, पर पॉलिसी अपनी ये है उग्रता की, वही उग्र हो जाए है जा वक़्त वाको अयथा देवता आप यजन करो हो, आप मंत्र एक बोल रहे हो और देवता दूसरा सोच रहे हो तो वह देवता उग्र हो जाए है, और जो मंत्र बोल रहे हो वह देवता को भज रहे हो, जाकु भज रहे हो वाके वही मंत्र बोल रहे हो तो वह देवता सौम्य हो जाए है। ये सारी बात अपने यहाँ की पॉलिसी वाइज रिलीजियस पॉलिसी अपनी ये हती, और ये सारे शास्त्र में ये पॉलिसी प्रकट करी गई है, वो अपने को समझना चाहिए, या से ज्यादा वाको विस्तार एटलीस्ट या बखत तो नहीं हो सके, फिर कभी फुर्सत सु करेंगे अपन। या खुलासा के साथ अब अपन टीका पे आवे, मैं तो आज देखो पूरा करना चाहूं प्रवचन, कोई शादी ब्याह भी आप अटेंड करते हो तो वर राजा अपनी वो वर और वधु जो है वो चेहरा की पॉलिश करवाने में कलाई करवाने में देर लगा में तो बैठो कि नहीं बैठो रिसेप्शन में, ऐसे बैठ जाओ थोड़ी देर तो मैं पूरा कर दूंगा, आपको कलई की देर सहन होती है और ये देर नहीं सहन होती है तो जाकु जानो जा सके, आप कहोगे तो मैं तो ये चैप्टर आज पूरे कर दूंगा, मुझको प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने बहुत कुछ देखियो, उग्र प्रताप पे सबसे पहली टीका सर्वोत्तम पे श्री गोकुलनाथ जी की है, महाप्रभु जी के चौथे पौत्र गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि भक्तन के अतिरिक्त जो भक्त नहीं है उनको महाप्रभु जी को प्रताप असह्य लगेगो, इतना असह्य लगेगो कि उनको पास बैठने में भी डिस्कम्फर्ट फील होगी महाप्रभु जी के। हर आग को ऐसा ही स्वभाव है, ठंडी लग रही हो तो अपन आग के पास बैठ सके, पर गर्मी लगती हो तो तापनी नहीं ले सके। श्री गोकुलनाथ जी ये भी बात कह रहे हैं
कि वाक सिद्ध पूरिता शेष सेवक हैं। वाक सिद्ध पूरिता शेष सेवक क्यों हैं? गोकुलनाथ जी अपने हृदय में बिल्कुल साफ हैं कि अपने ठाकुर जी को, अपनी सेवा को एग्जीबिशन करके वाक सिद्ध पूरिता शेष नहीं है। भागवत अर्थ के निरूपक जो उनके वचनामृत हैं, उन वचनामृतन को अपने सेवकन को सुनावे कि देखो यार, भागवत को अर्थ ये है, भागवत को अर्थ ये है, भागवत को अर्थ ये है। उग्र प्रताप होते भय भी जो भक्त हैं उनको महाप्रभु जी के ये वचन अमृत की तरह लगे। जा वक्त महाप्रभु जी भागवत को अर्थ प्रकट कर रहे हैं, भागवत को अर्थ प्रकट कर रहे हैं, भगवान को जो है वो भगवान की स्ट्रिप्टीज नहीं कर रहे हैं, यह अर्थ में वाक सिद्ध पूरिता शेष है। आज के हम गुसाई हैं महाप्रभु जी सु विपरीत भागवत कहने की तो हमारे में कोई माजना ही नहीं रह गया है, और कथा कर रहे हैं वो दूसरे जात की कथा कर रहे हैं, पेटी बजा बजा के क्या क्या तो वो पेटी बजा बजा के जो भागवत कथा हो रही है, भागवत ही नहीं हो रही है कथा, बाकी सब कथा हो रही है। जो सुबोधनी जो महाप्रभु जी ने अर्थ प्रकट किया है वो कथाएं नहीं हो रही हैं, भलती भलती कथाएं हो रही हैं। सुबोधनी क्या कहना चाह रही है, वो कहने तो समझें तो कथा करें ना, बाकी तो खोटे खोटे पोथी भागवत की सामने रख दें और यहाँ वहाँ की कथा करते रहें। महाप्रभु जी ऐसी कथा नहीं करें। भागवत को जो सप्तविध अर्थ है, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्य पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते, वो कथा के अमृतसु अपने सेवकन को पूरित करे हैं, पूरित करे हैं, वह को अभिप्राय बचा रहे हैं कि सर्वेंद्रिय सुख जनकत्वम सर्वताप निवर्तकत्वम च ज्ञापितम, वो सर्वेंद्रिय को आह्लादक बना दे हैं, माने बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया। वार्तरसु महाप्रभु जी हैं। उग्र प्रताप को अर्थ रघुनाथ जी पांचवें लाल जी गुसाई जी के कह रहे हैं, सर्व प्रतिपक्षोपमर्दक, भक्ति के अगेंस्ट जाते जितने भी पक्ष हैं उन सबको एकदम क्रूअली खंडन कर रहे हैं महाप्रभु जी। जो भी भक्ति के विरुद्ध बात जा रही है वह सबको क्रूअली खंडन कर रहे हैं, या अर्थ में महाप्रभु जी उग्र प्रताप हैं। आज हम लोग ऐसे हो गए कि जो भी भक्ति के विरुद्ध बात जा रही है वह खूब प्रमोट कर रहे हैं, जितनी भक्ति के विरुद्ध बात जा रहा है वो सबको हम प्रमोट कर रहे हैं। यहां डिफरेंस आ गया वल्लभ और वल्लभ कुल के, आखे रोल में और स्टेटस में। मैंने एक बालक ने मुझको बड़ी अच्छी बात कही, अब वो तो कोई ऐसा मेरे पास ऐसी कबर नहीं है जहां पर मैं कबर पे लेख लिखवा मैं, और मैं मरने के बाद कबर में तो जाऊंगा नहीं तो लिखवा भी नहीं सकूं। पर एक बालक ने मुझको इतना ब्रह्म ज्ञान दियो कि सिद्धांत सब सच्चे होए पर सत्ता ने आगे शांत पर न चाले। सत्ता अपने अगेंस्ट है तो जो सत्ता कह रही है वो ऐसे सेवा करनी चाहिए। ये क्या महाप्रभु जी को वंशज है? सत्ता ने आगे शांत पर न चाले। अरे तालिबान जो है सत्ता के आगे बम फोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तालिबान की तरह फैनेटिक हो जाओ, पर सिद्धांत कहने में तुमको क्या तकलीफ हो रही है? कोई बैन तो नहीं किया महाप्रभु जी को सिद्धांत? महाप्रभु जी को सिद्धांत बैन तो नहीं किया है? बैन नहीं किया वाके बाद तुम मुझको कह रहे हो कि हाँ सिद्धांत सच है पर अपने को ऐसी सब बातें करनी नहीं चाहिए क्योंकि सत्ता के आगे शांतपन न चाले। दो लपड़ मारे महाप्रभु जी के कैसे वंशज हो तुम? माने जो भी कुछ भक्ति के विरुद्ध में जा रहे हो सर्व उग्र प्रताप के बजाय एकदम फ्यूज उड़ गए। जावखत अपन ये बात कह रहे हैं अपने भीतर महाप्रभु जी के उग्र प्रताप को आंखों फ्यूज उड़ गयो है, वो क्या गुजराती में शब्द है डुल हो गयो, क्या कहे डुल, वो डुल हो गया आंखों। पूरिता को अर्थ रघुनाथ जी कर रहे हैं, तदतिरिक्त अभिलाषा परान मुखा सेवका कृता,
भागवत ने जा तरह से भगवत भक्ति बताई है, कृष्ण भक्ति बताई है, वाके अलावा महाप्रभु जी को जो सेवक है वह में कोई अभिलाषा नहीं रही जाए, रह नहीं जाए। अपन जो है वो वाके अलावा ही सारी अभिलाषा पैदा कर रहे हैं। कहीं जो है वो अपने सो त्रिवेणी संगम के बॉटल है लेला जे ले जाके अमेरिका के स्विमिंग पूल में डाल के सबको कर रहे हैं कि यहाँ त्रिवेणी संगम स्नान करो। कहीं जो अपन ऐसे चुनरी मनोरथ कर रहे हैं, कहीं कुछ मनोरथ कर रहे हैं, क्या नाटक है। भागवत ने जो भगवत भक्ति को प्रकार बताया, गृहस्थित्वा स्वधर्मता, वाके अलावा सारी अभिलाषा से शून्य बनाना चाहिए तो वाके सारी विपरीत अभिलाषा से अपन ने आदमी को ऐसा एक्साइटेड बना दियो। विचित्र कथा हो गई। गोपेश्वर जी, ये गोपेश्वर जी मने घनश्याम लाल जी के लाल जी, साथ में लाल जी के, बहुत मीठी बात कह रहे हैं। सकल शीतल वस्तु मात्रा नपनोद्य प्रकृष्ट। उग्र प्रताप क्या कि कोई भी दुनिया की ठंडे करने वाली चीज महाप्रभु जी के या प्रताप को ठंडी नहीं कर सके। इन बालकन के कॉन्फिडेंस कैसे हैं देखो, इनके कॉन्फिडेंस पे नौछावर होने की इच्छा हुआ है। कोई को महाप्रभु जी दादा है, कोई को परदादा है, कोई को कुछ है, पर इनको अपने दादा परदादा पे कॉन्फिडेंस कितना है और अपना अपने बाप पे कॉन्फिडेंस कितना लूज हो गया कि अपन महाप्रभु जी की बैठकन को ठेका पे उठा रहे हैं कि हमसे नहीं चल रही है। नहीं चल रही तो तुम वंशज काय के लिए भय, शर्म नहीं आई महाप्रभु जी की बैठक को ठेका पे उठाते। कितना कॉन्फिडेंस बदल गया है, अपने बाप की जगह अपन ठेका पे उठा रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस देखो के कह रहे हैं कि कोई दुनिया की ठंडे करने वाली चीज महाप्रभु जी के प्रताप को ठंडो नहीं पार सकेगी, इतना उग्र प्रताप है। प्रताप को ताप को अर्थ कह रहे हैं, भक्ते या ताप स आचार्य सन आचार्य स्वरूप सानिध्यादेव जात अन्यापनोद्य। भक्ति में जो अपने को तप्त करने की वांत प्रदान करने की क्षमता है, इफ एट ऑल आचार्य चरण के अपन सन्निधि में तो वो वार्मनेस अपने में ट्रांसमिट हो रही है। ये वल्लभ पंथी में वो वांत ट्रांसमिट नहीं हो रही है क्योंकि उनको आचार्य चरण की सन्निधि नहीं है। जो भी हैं वल्लभ पंथी हैं सब, नहीं तो आचार्य चरण की सचमुच में सन्निधि होए तो कृष्ण भक्ति की वार्मनेस उनमें आएगी आएगी और आएगी। ऐसो इन बालकन को कॉन्फिडेंस है, ऐसो सर्वोत्तम नाम को कॉन्फिडेंस है कि सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति दा। वो वल्लभ पंथी के भी बालक आजकल सपोर्टर हो गए पाछे। ये ब्यूटी देखो, ब्यूटी यहां है, मैंने अपन कैसे ठंडे पड़ गए। एकदम ठंडे। पूरिता शेष सेवक को अर्थ करते भाई गोपेश्वर जी बता रहे हैं कि सान्निध्य जनित प्रचुर ताप तप्तेशु सेवकांत करणेशु तद वचनामृत सेकेन लीला सहित श्री गोकुल जन जीवन प्राकट्य तत्ताप निवृत्ति भवति सेवाम अपि कुर्वन्ति इति सर्वम अनवद्यम। महाप्रभु जी की वाणी सुन ली तो हृदय इतनो तप जाएगो सेवा करने के लिए, इतनो आतुर हो जाएगो कि कृष्ण की सेवा किए बिना वो हृदय की जो आग जल रही है वो कभी बुझ ही नहीं सके। वो दाग क्या है, मिला न दिल जलों से दाग तुझे काम कभी, जला के खाक न कर दूं तो दाग नाम नहीं। मिला न दिल पड़ा न दिल जलों से दाग तुझे काम कभी, जला के खाक न कर दूं तो दाग नाम नहीं। ऐसे महाप्रभु जी भी ये कह रहे हैं कि यदि मेरे सान्निध्य में आयो सचमुच में तो कृष्ण सेवा को तेरे को भाव नहीं जाग्यो। कुछ ने कुछ अपन दोनों के बीच में अंतर आए हैं, अंतर आए हैं, अंतर आए, क्या अंतर आए सोचेंगे फुर्सत से। पर यदि अपन दोनों के बीच में अंतर आए नहीं है, थोड़ो भी महाप्रभु जी के सन्निकट जो गए हो वह को कृष्ण सेवा को भाव जगेगो 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 जगेगो, ऐसा कॉन्फिडेंस गोपेश्वर जी को हमारा नहीं है। हरिराय जी ने कोई खास विशेष बात नहीं कही है,
और पांच में कौन से टीकाकार हैं? अच्छा, विठ्ठल यशात्मज वल्लभ जी। हाँ, ये लेखकार वल्लभ जी, ये हरिराय जी के शिष्य, शिष्य तो नहीं पर हरिराय जी की स्कूल के, पुरुषोत्तम जी के कंटेम्पररी हैं। उनको कॉन्फिडेंस देखो, कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे उग्र वस्तु को ये तो कलयुग है कि जहां में धर्म के सारे पैरामीटर खत्म हो गए हैं, जो महाप्रभु जी खुद कबूल कर रहे हैं, अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, सारे पैरामीटर धर्म के खत्म हो गए हैं, तो कलयुग को जो प्रताप है वो सबसे ज्यादा उग्र है, पर इनकी श्रद्धा और इनकी निष्ठा ऐसी है कि महाप्रभु जी को प्रताप कलयुग से भी ज्यादा है। जाकू गोविंद दास निरंतर गा रहे हैं कि हरि वदना लाल प्रभु करी करुणा कलयुग में द्विज रूप धारण करी, बहुर्यो दयो दिखाई, बधाई बधाई बधाई। तो इनको महाप्रभु जी का प्रताप, वो मुकुल लगे कि एक पद में तो यहां तक कहो कि कलयुग में द्वापर कियो, एक पद में गुसाई जी के वा में है कि कलयुग में द्वापर कियो, तो ये कलयुग के प्रताप से दर्शित नहीं हो गए, वो कलयुग के प्रताप से दर्शित नहीं हो गए, हम सत्ता के शांतपण के आगे दर्शित हो रहे हैं। सत्ता कह रही है कि तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है, तो मान लो कि ठाकुर जी अपने नहीं है। कल सत्ता कह दे कि तुम्हारी बहुजी तुम्हारी नहीं है, अच्छा भाई तुम्हारी होगी, मेरे को क्या पता, मेरी नहीं है। ऐसे होएगा क्या? ये कथा यहां तक जाएगी, सत्ता में डिक्लेरेशन आ गया कि तुम्हारी बहुजी तुम्हारी नहीं है, मिनिस्टर की है, तो अपन वहां को सप्लाई करेंगे क्या? वो यदि नहीं सप्लाई करते हैं तो अपन ने कैसे मान लिया कि ठाकुर जी मेरे नहीं है, कैसे माने? लड़ना चाहिए तो अपने, उल्टो अपन विवेक वापर रहे कि सत्ता के आगे शांत पर नहीं चले। ये विवेक है क्या? अविवेक है, अविवेक है, ये विवेक नहीं है ये। अरे रिक्शा वाले ने हड़ताल कर दी यार, रिक्शा वाले से गए अपन, सारा बंबई बंद करवा दी रिक्शा वाले ने, ट्रक वाले हड़ताल कर दे, दूध वाले हड़ताल कर दे, हमें इतना दम नहीं है कि सत्ता समझो कह रही है कि तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे नहीं, तो एक दिन हड़ताल तो करे। नहीं नहीं, हड़ताल करे तो भेंट आनी बंद हो जाएगी ना, एक दिन की भेंट लॉस हो जाएगा, वकली हड़ताल नहीं करनी, दरवाजा मंदिर के चालू रहेंगे। वाके उपाय को उपाय बताओ कि प्राइवेट कैसे हो सके, क्योंकि क्या कहां गई सामर्थ्य, कहां गई सामर्थ्य अपनी, कहां गई अपने को वो बात समझनी चाहिए। वाक सिद्ध पूरिता शेष में लेखकार वल्लभ जी कह रहे हैं, सर्व विस्मारकम मादकम, एक नशा चढ़ावे महाप्रभु जी की वाणी, वो तो बांचो तो नशा चढ़ेगा, बांचो ही नहीं तो नशा कहां से चढ़ेगा। महाप्रभु जी की वाणी को पान करने पे एक ऐसो नशा चढ़ेगो कि जा नशा में तुमको न तो कलयुग को होश रहेगो, न कोई सत्ता के शांतपण को होश रहेगो, तुम बेहोश हो जाओगे, ऐसी नशीली वाणी है महाप्रभु जी की। पान ही नहीं किया तो नशा कहां से आएगा। अशेष पदे न, देखो लेखकार कितने सावधान है, अशेष पदे न मर्यादा पुष्टि भेदे न सर्वैव सेवका संग्रहिता। अपन कह रहे हैं कि सिर्फ पुष्टि मार्ग, महाप्रभु जी ने अपनी बात सिर्फ पुष्टि मार्ग में सीमित नहीं रखी है, मर्यादा भक्तन को भी उनको धर्म बताया है कि यदि तुम सच्चे मर्यादा भक्त हो तो ऐसे भक्ति करो, शिव के भक्तन को कैसे शिव भक्ति करनी बताई है, कर्म मार्गी को कैसे कर्म करना यह बताया है, ज्ञान मार्गी को कैसे ज्ञान करना यह बताया है, देवी के भक्त को कैसे देवी को भक्त करना यह बताया है। महाप्रभु जी ने हर चीज की कह ली है। वाक सिद्ध पूरिता शेष सेवक, अशेष सेवक को महाप्रभु जी ने किया है। ये लेखकार वल्लभ जी को मैंने विजन है या नाम के भीतर। हमारे ताजी महाराज, उग्र को मतलब देहेंद्रिय प्राण विस्मारको असह्य प्रकृष्ट तापो विरह,
तुमको अपने देह इंद्रिय प्राण को भूल जाओ, ऐसा प्रभु को विरह प्रकट करवा सके महाप्रभु जी की वाणी। और जा बखत कह रहे हैं कि एतस्या वो प्रकट होएगो विरह तो तुम मानसी करोगे। देखो या लिए मैंने आपको बताया कि जब अपन सब्लिमेशन होएगो अपने लव को तब फैंटेसी करेंगे। फैंटेसी लव को जो स्टेज बता रहे हैं साइकोलॉजिस्ट वो अपनी मानसिक स्टेज है। हाँ, उनकी फैंटेसी में अपनी मानसी नहीं आएगी पर अपने मानसी में उनकी फैंटेसी आ जा रही है। बस इतनी बात समझिए, हर फैंटेसी मानसी नहीं हो सके है पर अपनी मानसी में फैंटेसी आ रही है। क्योंकि मानसी के उदाहरण में स्पष्ट यह बात कही है कि हाँ आसक्ति भ्रमण न्याय, मानसी के उदाहरण में आसक्ति भ्रमण न्याय दियो गया है। तो फैंटेसी वा को पार्ट है, वो फैंटेसी का पार्ट नहीं है। ये रहस्य खास समझना चाहिए। अपन चारों नाम की सब टीका कर ले, वाके बाद द्वारकेश जी को टेकल करेंगे। भगवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा तत्सार भूत राष्ट्रस्त्री भाव पूरित विग्रह। या की टीका करते भये गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, तेन सेवकानां भागवतार्था ज्ञान जनित तापो तदर्थ प्रतिपादक सुबोधिन्यादि रूप वचना मृतेरपि निवार्यते। हमको भागवत समझ नहीं आवे है, ये महाप्रभु जी को सेवक कोई कंप्लेंट न कर सके, या लिए महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्रनाम लिखियो, महाप्रभु जी ने त्रिविध नामावली लिखी, भागवत अनुक्रमणिका लिखी, सूक्ष्म टीका लिखी, सुबोधनी लिखी, भागवतार्थ निबंध लिखियो, और कोई ऐसी कंप्लेंट न कर सके कि हमको महाभागवत को अर्थ समझ नहीं आ, हम कैसे समझें। क्योंकि कृष्ण यदि भागवत को प्रतिपाद्य है और वो भागवत को अर्थ हमको समझ नहीं आवे, या के लिए महाप्रभु जी ने ये सारो एफर्ट कियो। वो सारो एफर्ट कियो, एक बात ध्यान से समझो कि वह एफर्ट के अनुसार प्राचीन सारे भगवदी ने इन ग्रंथन के ब्रजभाषा और गुजराती में अपने दयाराम भाई तक अनुवाद किए हैं। आज भी उन ग्रंथन के अनुवाद हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, गुजराती में भी हो गए, पर अपन वो नहीं पढ़ना चाहे, वो नहीं पढ़ना चाहे। और ये कथकड़ी सप्ताह में अपन इकट्ठे होके महाप्रभु जी के सिद्धांत को बैक स्टेपिंग कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी को सारो पुरुषार्थ तो व्यर्थ गयो ना। जो काम अपने को करना चाहिए वो अपन खुद नहीं कर रहे हैं, जो महाप्रभु जी ने अपने लिए मेहनत करी है, तो ये बात अपने को खास समझनी है। तत्सार भूत राशस्त्री को अर्थ करते हुए श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, बहुत मीठी बात कह रहे हैं कि क्षीर समुद्र मथने क्षीरस्य अमृतापेक्षया न्यूनत्वाद् अमृतस्यैव सारभूतत्वम् उचितम्। जब क्षीर समुद्र को मंथन कियो तो क्षीर के प्रपोर्शन में अमृत जो है वो न्यून हतो। यालिए अमृत सारभूत है, यहां तो समुद्रस्यैव अमृतमयत्वात्, भागवत जो है वामे से अमृत नहीं निकलियो, भागवत खुद अमृत है। इन लोगों की निष्ठा कैसी है, इनकी भाषा में जो आभा प्रकट हुए ना, इनके स्नेह की, निष्ठा की, कमिटमेंट की, अर्थ तो अपन कोई भी हिंदी अनुवाद करके देख लेंगे पर वो आभा पे ध्यान देना चाहिए। तस्यापि सारत्वम एतद् भावाद् अतिरिक्तस्य तस्यापि सारत्वम न संभवतीति मुक्त्यपेक्षयापि अधिकस्य रासस्त्री भावस्य सारत्वम उक्तम। ज्यादा से ज्यादा
सारे शास्त्र जो है वो भगवान में मुक्ति की बात कर रहे थे। भागवत ने पहली बार ये बात आके कही कि अपनी मुक्ति जो है वो सच्ची भगवत भजन में है, दुनिया को छोड़ के जाने में मुक्ति नहीं है, दुनिया में रह के भजन करने में अपनी मुक्ति है। और दुनिया में रह के जो अपन भजन कर रहे हैं भगवान को, तो वो मुक्ति से ज्यादा 1000 times बेटर है। अपने दयाराम भाई ने यही लिए समझाया कि जलने शो जलनो स्वाद, जन जुदो जरही प्रामय आह्लाद, सेवो श्री कृष्ण कृपाल। वो बात गोकुलनाथ जी समझाना चाह रहे हैं। मुक्ति अपेक्षाया रासस्त्री भावस्य सारत्वम यथा क्षीर समुद्रो धृतस्य भोक्तारो देवा एव नान्य तथा एतद् उद्धृत सारस्य भोक्तृत्वम आचार्याणाम एव नान्यस्यापि इति ज्ञापनाय तत्सारभूतस्य। गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि भागवत को सारभूत जो रासस्त्री भाव है वाकु सचमुच में रैलिश तो महाप्रभु जी कर पाए, जाकु उनने कही कि सेवा तो बाप बेटा कर गए और ये तो लकीर पीट रहा है। इन बातन को सुन के अपने को डिमोरलाइज किया जाए कि सेवा मत करो, पर या बात को अपने को नहीं समझाई जाए कि अपन जो सेवा कर रहे हैं वो अपन आचार्य चरण के एक्सटेंशन है। एकस्या एव देवताया अन्यानी अंगानी भवंती, अपन महाप्रभु जी के अंग हैं, अपन महाप्रभु जी के हाथ हैं, अपन महाप्रभु जी के चरण हैं, अपन महाप्रभु जी के मुख हैं, अपन महाप्रभु जी के जाके जासू जा तरीके की सेवा होती हो वह तरीके की वाकु सेवा करनी चाहिए। और अपने अहंकार को भाव रखने के बजाय अपने को महाप्रभु जी के अंग होने को स्वाभिमान रखना चाहिए कि मेरे हाथ से यदि ठाकुर जी की कुछ सेवा हो रही है तो मैं महाप्रभु जी को हंसतू, मेरे पैर से कछु ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो मैं महाप्रभु जी को चरण हूं, मेरे मुख से यदि ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो मैं महाप्रभु जी को मुख हूं, तब वो तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रहता को जो आखो सिद्धांत तो कि महाप्रभु जी की कानी से हम सेवा कर रहे हैं। कानी का मतलब ये है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु जी सेवा कर रहे हैं। उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में होना चाहिए। अपन को उल्टो बात समझाई जा रही है कि सेवा तो वही कर सके, तो अपने क्या करना, कंस की तरह ठाकुर जी को मारवे जानो, ये झोंबीपन हो। समझ में आई ना बात अपने को, ये क्योंकि जितनी बार समझाओ तब ये समझ नहीं आवे, वो माई हेड वाला चक्कर है। गुरु जी ने वाकू कह दी चेला को कि माई हेड मने मेरा सिर, चेला ने याद रख लियो कि माई हेड मने मास्टर जी का सिर। घर पे आयो बाप ने कही क्या बोलता है, माई हेड मने मास्टर जी का सिर है, दो लपड़ मारी, माई हेड बेवकूफ मेरा सिर, साली खोटी लपड़ पड़ गई, याद कर लिया माई हेड मने बापू जी का सिर, मेरे बाप को क्या गया। पाछे स्कूल में गए वानी कही बोलो माई हेड, उनकी बापू जी का, बुट बापू जी का सिर नहीं मेरा सिर। छोरा ने कही कि ये तो लफड़ा है सालो, यहाँ भी मार पड़े वहां पर, उनकी स्कूल में मास्टर जी का सिर, घर में बापू जी का सिर। इंस्पेक्टर ने आके पूछी कि बोलो बेटा माई हेड मने क्या, उनकी अब पहले कहाँ पूछ रहे हो बताओ तब मैं बताऊ, उनकी कहाँ का सवाल क्या है, माई हेड का मतलब बता, नहीं ऐसे नहीं बता सकते, कहाँ पूछ रहे हो बताओ, स्कूल में के घर में। वो इंस्पेक्टर की अक्कल गायब हो गई, माई हेड के ट्रांसलेशन में कहाँ को सवाल कहाँ से आयो। तो अपन सब वाह तरीके के हो कि जो बात नहीं समझनी है वो नहीं समझेंगे, उल्टी बात समझेंगे कि माई हेड या तो हमने बापू जी का सिर या मास्टर जी का सिर, और या फिर वहां में इतनी भी अक्कल चला रहे हो पाची के घर में बापू जी का सिर और स्कूल में मास्टर जी का सिर। पर इंस्पेक्टर पूछे तब सच्चो आंसर देने की समझ अपने में जॉम्बी पने के कारण नहीं है कि नहीं अभी आप नहीं बताएंगे आंसर, क्योंकि फिर इंस्पेक्टर लपड़ मारे तो कहां जानो, सत्ता ने आगे शांत पड़ना चाले। अपन ये नहीं समझ सके कि महाप्रभु जी जो कह रहे हैं कि यार तुम रासस्त्री भाव पूरित को जा तरह से भागवत को मैंने मंथन किया है,
वाकु मैं जितना रैलिश कर पाया इतना तुम नहीं रैलिश कर पाओगे, सच्ची बात है, क्योंकि कैपेसिटी सबकी वाह तरीके की नहीं हो सके, पर वाह कैपेसिटी सु महाप्रभु जी ने जो मंथन कियो है, और वाह के बाद जो षोडश ग्रंथ में अपने को सेवा को जा तरह सु आदेश समझायो है, वो रासस्त्री गुण भाव पूरित को इम्प्लीमेंट लाइफ में करने को बतायो है, वो काय के लिए बतायो? महाप्रभु जी क्या खुद को उपदेश दे रहे? माई हेड माने मेरा सिर, अपने को उपदेश दे रहे? इति श्री कृष्ण दास से वल्लभस्य हितम वचः चित्तम प्रति यदा करण्य भक्तो निश्चिंतता मृजेत। अपन कह रहे हैं कि माई हेड बने महाप्रभु जी का सिर, माई हैंड बने महाप्रभु जी के हाथ, अपने हाथ नहीं। अरे कौन ने समझाई बेवकूफन को तुमको ये बात? माई हेड बने जो बोले वाको हाथ, माई हैंड बने जो बोल रहे हो वाको हाथ। महाप्रभु जी ये बात अपने को समझा रहे हैं कि मेरे हाथ से सेवा करो, मेरे हाथ से सेवा करो मतलब महाप्रभु जी के हाथ से सेवा करने की महाप्रभु जी तुमको क्यों कहेंगे? मेरे हाथ से सेवा करो ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। वो या लिए समझा रहे हैं कि मेरे घर में सेवा करो, मेरे परिवार के साथ सेवा करो। ब्रह्म संबंध को मंत्र देख लो कैसो, अहम दारा आगार पुत्र आप्त वित्त, सबके साथ मैं सेवा कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, वो सेवा की बात बता रहे हैं। वो महाप्रभु जी अपने हम की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे? अपन ये रट के बैठे हैं कि अहम को मतलब महाप्रभु जी, मतलब सत्ता कोई छांट पर लगा देता अपन फिर पूछे कि तो फिर अहम माने कौन? ट्रस्टी कि गवर्नमेंट को जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन? अरे भाई बाकी बात नहीं है यार, तेरी बात है। तो माई हेड माने मेरा सिर समझ नहीं आवे, क्योंकि सिर हो तो सिर समझ में आवे ना जोमबीन को। जोमबीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको, उनको सिर ही नहीं हो तो करे क्या जोमबीन? रघुनाथ जी ने कोई खास विशेष बात नहीं कही है। हरिराय जी बहुत अच्छी बात एक समझा रहे हैं, किंच समुद्र मथनम ही पीयूष प्राप्त्यर्थम भवति, अत्र समुद्रस्य यो पीयूष योक्त्वा तत् मथित सारस्य अत्यलौकिकत्वं द्रम्यते। वो जो समुद्र मंथन देवता ने कियो तो वो तो अमृत पाने के लिए कियो, समुद्र को मंथन अमृत पाने के लिए कियो, या अमृत को मंथन काय के लिए कियो है? रास स्त्री भाव के लिए कि तू मेरो है मैं तेरो हूं, भगवान के साथ वो खेल अपन खेल सके, वा के लिए अमृत को मंथन कियो है। माइंड इट, अमृत जो है वो मुक्ति को पर्याय है। सो मुक्ति को मत के महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत अपने को बताया कि दूसरी जो अहंता ममता जो होगी वो शायद बंधन होगी, पर मुक्ति को मत के जो अपन अहंता ममता निकालेंगे ना, वह अहंता ममता से अपन ठाकुर जी को तू मेरो है कह सकें, और मेरी अहंता को मैं ठाकुर जी को कह सकूं कि मैं तेरो हूं। तदीयोस्मि 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 न संशय, मदीयोसि मदीयोसि मदीया एव तन सदा। वो बात बता रहे हैं, यथा क्षीराब्धि मथनेन तत्सारभूता श्री भगवतैव लब्धा, तथा एतत् समुद्र मथनेन पुनः पुनः विचारेण तत्सारभूतो रासो तत्सम्बन्धिन्य स्त्रिय तत्सम्बन्धी च यो रसात्मक भाव स एतैरेव लब्ध। मने जैसे क्षीराब्धि मथन सु, क्षीराब्धि को जब मथन किया तब अमृत ही नहीं निकलियो, लक्ष्मी भी निकली थी। तो ये जो भागवत को जो सारभूत जो स्त्री भाव है वो लक्ष्मी के तैसे भाव है, और वो को विचार सु वा को तत्सम्बन्धिन्य स्त्रिय तत्सम्बन्धी जो रसात्मक भाव है, माने लक्ष्मी को जो भाव है विष्णु के प्रति, राधा को जो भाव है वो कृष्ण के प्रति, वो भाव से अपन सेवा कर रहे हैं। तो यह में एक देखो ध्यान से समझने की बात है, कल मैंने आपको मीरा की बात बताई, थोड़ी सी फिर से याद करो कि मीरा को कृष्ण के प्रति एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो गया, या अर्थ में क्योंकि वाके बाप ने वाकु कही कि ये तेरो पति है, और वा कृष्ण के सेवी स्वरूप को वाने अपना पति मान लिया, वाके बाद वो राणा के साथ निभा नहीं पाई। ये अंग्रेज लोग बेवकूफ समझे कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है तो या लिए कृष्ण को भज रही थी,
एक्चुअली सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण तो वो फ्रस्ट्रेशन होता तो राणा को सेक्सुअली आपको सेटिस्फाई कर सकते तो, पर राणा को रिलिश नहीं कर पाई तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सके वाको कृष्ण भजन में। कृष्ण भजन तो वाको आइडेंटिफिकेशन है तो, और कितना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है तो कि वाको विजन कैसे हो गयो कि वो ये सोचती थी कि जैसे मैं कृष्ण की प्रेमिका हूं ऐसे जो भी कृष्ण को भक्त है वो कृष्ण की प्रेमिका है। या लिए जब वृंदावन गई और जीव गोस्वामी से कही कि मिलना चाहूं तो नहीं कही मैं स्त्री को मोह नहीं देखूं, मीरा के मुंह से बात निकल गई, मुझको पता नहीं थी कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष और दूसरा जीव भी है। जीव को बहुत बड़ा गंभीर अर्थ है कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई जीव पाछो पुरुष है ये मुझको पता नहीं थी। मैं तो समझती थी कि वृंदावन में सब गोपी गोपी है मेरे जैसे, मीरा ही मीरा है। कितना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कि पुरुष को भी वो पुरुष नहीं मान रही है, वो वाको आइडेंटिफिकेशन कृष्ण के प्रेम में या तरीके को स्ट्रॉन्ग है। वह तरीके को अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि लव की एक अपर स्टेज में जाके अपने को कल्मिनेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन में हुआ है। मैंने जैसे मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो, वह तरह से मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो, तब वो एक आइडेंटिफिकेशन जो एस्टेब्लिश हुआ है वो आखो है। वो मैं सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होता तो राणा वाकु अवेलेबल हतो ही, ऑलरेडी अवेलेबल है तो, पर वो राणा से नहीं निभा पाई रिलेशन वाके कारण, क्योंकि वो को स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो गया तो। पर ये अंग्रेज लोग अपने को ऐसे समझावे कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण वो कृष्ण भक्त हो गई। अब वो अपने को पास ही समझ भी आ जाए हो, कई लोग ऐसे माने हिंदुस्तान में भी कि वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण वाको सेक्स सेटिस्फाइड नहीं है तो या लिए कृष्ण को भक्ति करती थी। ऐसी कोई हो सके बात? बेवकूफी की बात है। पर वो क्या है कि भूरा वाक्यम प्रमाणम, भूरे लोग जो कहते हैं वो अपने को लगे कि हाँ जरूर कुछ न कुछ अक्कल होगी। भाई पर अपनी भी तो अक्कल है, कितनी हजारन साल की ऐसी अक्कल है कि जब उनके साइंटिस्टन को अब समझ में आ रही है, अपन ने तो कब से कह रखी है। वाको कॉन्फिडेंस अपना कहां गए, वो अपना कॉन्फिडेंस कहां गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि वो जो कहें वो बात अपने को समझ में आ गई और अपने शास्त्र ने जो बात कही वो अपने को समझ नहीं आ रही है, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या भयो। चक्कर यहां पड़ गया, व्या तरीके को अपना में कल्चरल जॉम्बीनेस आई है हो, जैसे साइकोलॉजिकल जॉम्बीनेस हुए है, जैसे पॉलिटिकल जॉम्बीनेस हुए है, जैसे रिलीजियस जॉम्बीनेस हुए, ऐसे कल्चरल जॉम्बीनेस भी अपने में आ गई है कि अपन कल्चरल जॉम्बी हो गए कि वो लोग जो कह दें वो अपने को समझ में आ जाए, अपन के शास्त्र जो कह रहे हैं वो अपने को समझ में नहीं आवे, और अपने शास्त्र की बात उनको समझ में आ रही है पर अपने को समझ में नहीं आ रही है। ये अपनी कल्चरल जॉम्बीनेस है। ये कथा है चारों नामन की, और या के बाद अपने द्वारकेश जी जो टोटली यासु अलग ही रंग है, वो अलग रंग ये है कि इनको हर सर्वोत्तम के नाम में सर्वव्यापक कृष्ण की सर्वव्यापकता दिखलाई दे, महाप्रभु जी दिखलाई नहीं दे। ऑलमोस्ट ये सूर्य कहा कहे द्विविध आंध्रो जैसे कृष्ण भक्ति के आंध्रो कह सके अपन इनको, इनको दूसरों को दिखाई नहीं दे रहे हो कि महाप्रभु जी के भी 108 नाम आए तो उनको लग रहे हो क्या है कृष्ण लीला चल रही है। सूरदास जी ने भी तो यही कह दी थी ना कि मैंने कोई दूसरे पद गाए ही नहीं, महाप्रभु जी ने कोई कृष्ण लीला गाओ बस गाने लग गए, फिर कब उनको याद ही नहीं आई महाप्रभु जी के पद गाने की। जो गायो दृढ़ चरणन केरो भरोसा वो तो फरमाइश पे गायो है, बाकी तो उनको ख्याल ही नहीं आया कि मैंने नहीं गाए हैं। ऐसी तन्मयता आ गई, मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो। अपना द्वारकेश जी कुछ या तरीके को फिनोमिना है वो कृष्ण लीला में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अनन्य मनसो वो मर्त्या श्रवणादिशु वो उत्तमा परिकीर्तिता, ऐसी अनन्य मनस मनस्कता उनकी हो गई कि उनको सर्वोत्तम स्तोत्र पढ़े तभी भागवती भागवती याद आ रही है। वो कैसे उनको भागवत सर्वोत्तम के नाम में याद आ रही है, वो उनको साइनेस्थेसिया है आज की तारीख में, और वो साइनेस्थेसिया अपन अब देखें, थोड़ा समय तो लगेगा पर थियोरिटिकली
या बात को अपने को अच्छी तरह से समझनी चाहिए। इनको जो साइनेस्थेसिया हो रहे हो है, बाकी ब्यूटी ये है कि सर्वोत्तम के 108 नामन में इनको भागवत की एक एक लीलाएं दिख रही हैं, भागवत की एक एक लीला दिख रही हैं, और ऑर्डर वाइज उनको दिख रही हैं जो इन्हीं को दिख सके, अपने को तो दिख नहीं सके, इनकी कहानी सो अपने को दिख सके, बाकी इनकी कहानी नहीं हो तो अपने को खोपड़ी में आ ही नहीं सके, ऐसी ऐसी बातें हैं, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन बातें हैं, पर अटमोस्ट स्वीट है, स्वीटेस्ट बातें हैं, या में तो कोई संदेह नहीं। वल्लभ पंथी इनको सबको जुलाब लगाने वाली, बकुल रावल ने मुझसे कही, बकुल रावल ने मुझको जैन धर्म पे भाषण देने के लिए बुलाया, तो बकुल रावल को मैंने पूछे मन की भाई धर्म पे सुनना चाह रहे हो कि दर्शन पे सुनना चाह रहे हो, तो नहीं धर्म तो घना बदा कहे तमें दर्शन ऊपर बोलो, मैंने कि ऑल राइट, मैंने जैन धर्म दर्शन पे और बृहदारण्यक उपनिषद कैसे पैरेलल जा रहे हैं यहाँ पे भाषण दियो। अब पता नहीं ऑडियंस को तुम्हारे जैसा हाल भयो कि अच्छा हाल भयो कि खराब हाल भयो। बकुल रावल ने मेरे प्रवचन के बाद मुझको बहुत मजेदार बात कही कि महाराज घी खाए तो जाड़ा थवाए पर न पचे तो झाड़ा था, ये बात याद रखो, एवं बधा प्रवचन करवानी जरूरत शो। हाँ खोटी बात थी गई, घी खाए तो झाड़ा थवाए पर न पचे तो झाड़ा थाए, तो झाड़ा थवाए के झाड़ा थवाए जे थाए। अपने थोड़ी हैबिट डालवी जो ही है, थोड़ूक थोड़ूक खाता रहसो तो शुरुआत में झाड़ा थसे पण अंते झाड़ा थई जशे। बकुल रावल ने बड़ी मीठी बात कही बकुल। अरे काम करना भाई, ये भिंजा के लिए ना थोड़ो, पानी ठंडे पानी से भिंजा के लिए। इनको क्योंकि भागवत की लीला में ये महा ठाकुर जी जो मथुरा में एंटर भए हैं वा बखत सु, और उनने मथुरा में जो कंस को मारियो वा बखत के जो चार एपिसोड हैं टेलीविजन की भाषा में, वो चार एपिसोड इन चार नामन में दिख रहे हैं द्वारकेश जी को, इन चार नामन में भागवत के ये चार एपिसोड आ गए हैं। महाप्रभु जी वाकु या तरह से सोच रहे हैं, मैं कई बखत बता चुके हूं के नहीं थोड़ा ज्यादा गीलो करके ला, महाप्रभु जी ये सोच रहे हैं कि शुरुआत में भागवत का जन्म प्रकरण है जहां कृष्ण जन्म है, वाके बाद तामस प्रकरण है, तामस प्रकरण का मतलब ये कि जहां जिन भक्तन में ठाकुर जी प्रकट भए हैं उनमें कोई तरह की तामस भाव है, तामस भाव का मतलब ऑब्स्टिनेसी है, कॉम्प्रोमाइज करने को नेचर नहीं है, दूसरी बात में वो को ऑब्स्टिनेट नहीं है पर ठाकुर जी के बारे में वो ऑब्स्टिनेट है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने तैयार नहीं है, जो चाहिए सो उनको चाहिए ही है, और उनके बीच में ठाकुर जी जा वक्त प्रकट भए हैं तो उनके तामस भाव के अनुरूप उनको जैसा ठाकुर जी चाहिए है ऐसा प्रकट हुए हैं। अब अपने को ये लगे कि ये कोई चमत्कार की कथा है, ये कोई भगवान के कृपा की कथा है या कोई ऐसी लीला की कथा है,
पर वेद की कथा है कि मनुष्य के सामने यदि लीला करनी है तो पृथ्वी वायु और सूर्य के रूप में लीला करनी पड़ेगी। मनुष्य दूसरे कोई रूप में लीला करेगा ना भगवान, तो मनुष्य की जो पैदाइश है वाके कंट्रोलिंग फैक्टर ये तीन फोर्स हैं, पृथ्वी वायु और सूर्य। अपना सारो तामझाम इन पे चल रहे है, अपनी दिन रात यहाँ पे चल रही है, अपने अनाज यहाँ पे पक रहे हैं, अपन सो जाग यहाँ पे रहे हैं, अपन जो है वो प्रसन्न ऋतु को चक्र अपना इन पे चल रहे है, ये पृथ्वी वायु और सूर्य। तो इनको रूप धारण करके भगवान अपने लिए या तरीके को रूप धारण करके प्रकट भए हैं। ये भगवान की एक दैवी दिवु क्रीड़ा विजिगीषा मोद मद स्वप्न कांत गति है भगवान की। वो वेद जैसे कह रहे हो कि मनुष्य के सामने प्रकट होना है तो मनुष्य के रूप, मनुष्य जा तरह से एक्सेप्ट कर पावे वा को देवत्व वा तरह से प्रकट होना चाहिए। अब वो उन लोगों को लगता होगा कि अपन पैगान है, अपन को क्यों पैगान नहीं लगे हैं अपन, वाको मूल कारण है कि अपने सामने यदि भगवान प्रकट हो रहे हो तो जैसे अपन एक्सेप्ट कर पावे वह तरह से प्रकट होएगा ना। अपन किन चीजन को एक्सेप्ट कर पावे, पृथ्वी को अपन एक्सेप्ट कर पावे, वायु को अपन एक्सेप्ट कर पावे, अपन समझ सके कि खड़े होने के लिए अपने को पृथ्वी चाहिए, सांस लेने के लिए अपने को हवा चाहिए, और अपना सारो जो तामझाम है खाने पीने को सोने जागने को सूर्य पर निर्भर है। तो ये भगवान के तीन दैविक रूप है अपने सामने, वह तरह से भगवान ने अपना दैव रूप प्रकट किया। तीसरे व देवता, ऐसे ब्रजभक्तन को जो स्वरूप है, जो माँ, जो उनको साइकोलॉजी है, जो उनको टेम्परामेंट है, जो उनके माने एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वाके हिसाब से जैसे वो एक्सेप्टेबल होए, वह तरह से प्रकट होए तो वो एक्सेप्ट कर पाएंगे ना, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। करके भगवान व्रज में प्रकट भय जैसे व्रज भक्तन को एक्सेप्टेबल हो मैं वह तरह से, वो तामस लीला आती मथुरा में। मथुरा में क्योंकि राजा सते लोग, राजा सते या लिए वो व्रज वालो भाव नहीं है। और यहां में बहुत सुंदर आगे वर्णन आएगा, गोपियां खुद कह रही हैं कि तुम भाग क्यों गए, हम जाने हैं वृक्ष छोड़ के, क्योंकि तुमको हमारी तामसता शायद सूट नहीं आएगी, राजस्था तुमको पसंद आ रही होगी। उनकी तामस भाव देखो गोपिन को, हमारी तामसता शायद तुमको माफिक नहीं आई, तुमको उनकी राजस्था पसंद आ रही होगी, यही लिए भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश वहां की है, मथुरा की। गोकुल में पैदा होते तो नहीं भागते। कितनी मीठी बात है, कितनी मीठी बात है, गोकुल में पैदा होते तो मथुरा में भी होते तो भाग के यहां आते। हम जाने कि यह मथुरा काजल की नगरी, जे निकसे ते कारे ब्रज के बिरही लोग बिचारे। ये मथुरा काजल की नगरी, जे निकसे ते कारे, ये काजल की नगरी है मथुरा राजसी, हमें जो कर निकल रहे हैं वो काले ही निकल रहे हैं, हम विरही लोग बेचारे, या लिए तुम मथुरा भग गए अपने राजस भाव की, तुम्हारी पैदाइश के अनुरूप। हमारे यहां पैदा भयो तो नखलु गोपिका नंदन भवान अखिल देह नाम अंतरात्मा दर्क, या लिए भाग गए, ऐसे ऐसे एलिगेशन है भगवान पर। तो बहुत मीठे एलिगेशन है, ये प्रेम के एलिगेशन है, झगड़ा के एलिगेशन नहीं है। वहां में इनको राजस भक्तन के कारण ऐसे लग रहे है। या में सबसे इंटरेस्टिंग जो प्रकरण है, सबसे पहलो उग्र प्रताप को, वो एग्जैक्ट वो प्रकरण है कि जहां भगवान मथुरा में एंटर भय, कौन कौन के साथ एनकाउंटर भयो भगवान को। तो धोबी के साथ भयो, कुब्जा के साथ भयो। अब मैंने जैसे आपको बताई कि अपना भगवान त्रिभंगी है, अब आपको एनकाउंटर भयो त्रिवक्रा कुब्जा के साथ। खुद भगवान त्रिभंगी हैं और उनको जाको एनकाउंटर भयो कुब्जा के साथ भयो है। महाप्रभु जी भी आप बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हो, महाप्रभु जी तो कृष्ण के भक्त हैं, जो करे सो वो लीला गाने के लिए तैयार रहे, उनको हार्द अपने को समझ नहीं आवे क्या कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। अपन वो शब्द पे चले जाए, मैं हर वक्त महाप्रभु जी की ये ग्रंथन की व्याख्या करते वक्त ये फिल्म गाना मन में दोहराता हूं कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और
चेहरा झूठा। महाप्रभु जी को दिल सच्चो है, जो बोल रहे हैं ना वह हमें कभी कभी वो भागवत में गाली आवे तो महाप्रभु जी भी गाली दे दे, भागवत में प्रशंसा आवे तो महाप्रभु जी प्रशंसा कर दे, वो दिल सच्चा चेहरा झूठा है। महाप्रभु जी ने बड़ी बड़ी गाली दी, यमुना जी तक को गाली दे दी है, घोर है, यम की छोटी बहन है तो और क्या करेगी, ऐसे नहीं करेगी। तो दिल का प्रकट भयो है यमुनाष्टक में, वहां घोर नहीं कह रहे हैं। तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर्य सूते सदा समस्त दुर्तक्षय भवति वे मुकुंदे रति तया सकल सिद्धियो मुररी पुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री। अरे दिल सच्चा, वहां जो कह रहे हैं ना कि तो यम की छोटी बहन है, यम जैसी क्रूर है, बहुत संभल कह रहे ना, उग्र प्रताप लग रहे हैं महाप्रभु जी को। पर महाप्रभु जी कमिटेड व्याख्याकार है, या जो भागवत कह रही है वो कह दे, उनको क्या जाए, उनको तो कृष्ण लीला में तात्पर्य ना। ऐसे महाप्रभु जी ने कुब्जा को बड़ी गाली दी है, पर सारी सुबोधनी को अध्ययन करें ना तो कुब्जा से बढ़ के कोई कैरेक्टर मिलना मुश्किल है। मैं थोड़े से वाक्य पैरामीटर आपको बताऊं, जिनको ठाकुर जी पे कुब्जा को और गोपीन के डिफरेंशिएशन क्या है। गोपीन को ठाकुर जी पे प्रेम है, कुब्जा को प्रेम नहीं है, लस्ट है। कुब्जा ठाकुर जी को अपनो सेक्स सेटिस्फाई करना चाह रही है, गोपी अपनो सेक्स सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, प्रेम सेटिस्फाई करना चाह रही है। सो दोनों के कैरेक्टर में फेस वैल्यू पे ड्रास्टिक डिफरेंस अपने को लग रहा है। एक जो है वो इश्के हकीकी लग रही है, एक इश्के मजाजी लग रही है, उर्दू की शब्द में देखें तो। भगवान उग्रता और सौम्यता को कैसे बैलेंस कर रहे हैं वाको देखो, कि जिनको प्रेम है भगवान सु उनको अपनो घर छोड़ के वृंदावन में आना पड़े, और जाकू काम है भगवान पे, वाकू भगवान करे कि नहीं तेरे घर पे आऊंगा नहीं, मेरे तेरे सेवा कोई आसरा ही नहीं है मथुरा में। सारी बाजी उलट दी कि नहीं, वाह कुब्जा को तो काम है। और एक बात ध्यान समझो, खूबसूरत नहीं है वो, तीन अंग में टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़ी। ये तो कृष्ण की ताकत है कि वाकू चाह सके, बाकी दिख जाए तो डर लगे अपने को। कौन कुब्जा को चाहेगो, चाहेगो कौन कुब्जा को। और कुब्जा को यदि काम भाव पैदा भयो तो वाकू कौन कान तो सेटिस्फाई करेगो यार, थोड़ा सा काम होएगो वो भी मर जाएगो। तो एक बात समझो कि कृष्ण को ये उग्र प्रताप है, कृष्ण को ये उग्र प्रताप है कि कुब्जा को कृष्ण कह रहे हो कि हाँ तेरे घर के नहीं आऊं तो जाऊंगो काम है, मेरा तो और कोई घर ही नहीं है यहां मथुरा में। अरे उनको वसुदेव देवकी वहां है, हो वो कह रहे हैं वो तो जेल में है ना, तो उनके पास कैसे जाऊं, अभी तो छुड़ाऊं तब जाऊं ना उनके पास, और जब तक वो छूटे नहीं तब तक तेरे सिवा मेरे पास कोई घर ही नहीं है, तो तेरे यहां जरूर तेरे घर पाऊंगा। अक्रूर बिचारा पहले से विनती कर रहे हो, महाराज काय को यहां बाहर बिराज रहे हो, चलो मेरे घर, बोले आऊंगा कोई दिन, मथुरा के बाहर रहे हो, एंटर नहीं भय। और कुब्जा को प्रपोजल तुरंत एडमिटेड, अक्रूर को बेचारे को अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। कुब्जा को प्रपोजल जो त्रिवक्रा है, एकदम भयंकर खूंखार लड़की औरत दिख रही है, वहां को एप्लीकेशन जो है वो एडमिशन पहले से ही एडमिटेड है, क्या हाँ तेरे घर हमारे लिए और घर कहां है यहां मथुरा में, दूसरों तेरे यहां तो जरूर रहूंगो। डिफरेंस समझो, उनके घर में कृष्ण जा रहे हैं, इनको घर नहीं जा रहे हो, इनको अपने पास बुला रहे हो। अब कृष्ण को तोलो कौन के प्रति, वो एक यहां बोरीवली में गाते तो ना डांडिया इस्माइल क्या नाम है तो मूसा, मूसा पाई तने राधा गमे के मीरा, ऐसे एक दिन डांडिया गाओ के तने गुब्जा गमे के राधा। वो क्या एक है पहरियो, एक है पहरियो सफेद कपड़ा और एक है पहरिया भगवा तने राधा गमे के मीरा,
ऐसे कृष्ण के सामने एक दिन डांडिया खेल के देखो कि तुमको कुब्जा गम रही है, रुक्मिणी गम रही है कि राधा गम रही है, बताने यार क्या कथा है तेरी, स्टोरी क्या है। तो उग्र प्रताप है, उग्र प्रताप है कृष्ण को कि कुब्जा को एप्रिशिएट कर सके। अपने बाप की ताकत नहीं हो, अपने बाप की ताकत नहीं है कि कुजरा कुब्जा दिख जाए और अपने को हो भी ना लस्ट तो एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा कि ना ना बस बहुत हो गया। ये जो मार्को पोलो होतो ना, मार्को पोलो जानो आप लोग, जाने एशिया पहले खोजियो इटली से। तो मार्को पोलो बेचारो शिप में आयो तो अपने यहां कोचीन आयो तो कोचीन से फिर यो नीचे लंका के पेनिनसुला से घूम के और फिर थाईलैंड गयो। तो थाईलैंड गयो तो वहां थाईलैंड की जो राजकुमारी होती वो वहां पे मुग्ध हो गई मार्को पोलो पे। तो वहां ने अपने बाप से जिद करी, मैं तो मार्को पोलो से ही ब्याहूंगी। वो मार्को पोलो को थाईलैंड में कुछ अपने वो वर्ल्ड टूर के अंतर्गत थाईलैंड में रहना जरूरी है, तो वहां ने गरीब ने कबूल कर लियो। अच्छा भाई राजकुमारी ब्याहना चाह रही है तो ऐसे मेरे कहाँ भाग्य। तो वहाने की चलो ब्याह जाएंगे, प्रस्ताव मंजूर हो गया। जब दोनों के ब्याह हो गए तब तक वो थाईलैंड की राजकुमारी जो होती ना ऐसे होती, बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब पहलो मार्को पोलो मिले ना तो सीधा भाग गए मार्को पोलो, मरे कहां फंस गए। क्योंकि इतनो दिखियो ना बहुत खूबसूरत दिख रही थी, आंख वाख सब बहुत मजेदार दिख रहे थे। और जब वाने भागो यहां से यार मौत आ गई, कहां राजकुमारी से ब्याह, मार्को पोलो के मार्क सारे कैंसल हो गए, पोल पोलम पोल हो गए। कृष्ण कैंसल नहीं हो गए, कृष्ण कैंसल नहीं हो गए कुब्जा को देख के। और कृष्ण कैंसल नहीं है, और कृष्ण वाकू यो क्या है कि तेरे अलावा मेरे कोई घर नहीं है, मैं हर वक्त ये लिए कुब्जा को मैं मोको आइडेंटिफिकेशन हुए। क्योंकि इट्स टू डिफिकल्ट कि अपन अपने आप को वृज की गोपीकांत के साथ जैसे मीरा आइडेंटिफाई करती थी ऐसा आइडेंटिफाई करें। श्री गोसाई जी जैसे कहे कि मेरे में ना वही ज्ञान बलम, ना श्रुति बलम, ना भक्ति बलम, तो तीनों बल अपने वक्र हैं, हा? ना ज्ञान बल है, ना कर्म बल है, ना भक्ति बल है। अपन भी कुब्जा के ही जैसे हैं। एक वक्त कृष्ण को बुलाओ तो सही घर में कुब्जा की तरह, एक वक्त तो वाकू को कहते हो तुम को पसंद आ रहे हो चल आ जा मेरे घर में, क्यों नहीं आएगा कृष्ण। तो मुकु को आइडेंटिफिकेशन, एक सच्ची बात बताऊं कि राधा और गोपीन के बजाय कुब्जा से ज्यादा हुए कि भोग राग श्रृंगार सारे बल अपने त्रिवक्र हैं। अपन कहां से वो राग लाएंगे, कहां से वो भोग लाएंगे, कहां से श्रृंगार लाएंगे, अपन त्रिवक्रा कुब्जा है अपन, और अपन त्रिभंगी है ना। अपन तीन तरह से टेढ़े तो वो भी तीन तरह से टेढ़े होकर अपने को किस कर सकेगा, गले भी मिल सकेगा, यो यो सब टेढ़े मेढ़े होंगे तो सब तरह से वो तिवकु त्रिभंगी होना आवे अपने को आलिंगन करने के लिए। वो कृष्ण में वो त्रिभंगिता है त्रिवक्रा को आलिंगित करने के लिए, वो त्रिभंगिता है वहां में। और अपन भी त्रिभंग त्रिवक्रा होंगे, अपने में भी कुछ नहीं, न तन है न मन है न धन, अपन ठाकुर जी को सच्चाई से वापर सके सेवा में। अपन भी तनुजा वित्तजा मानसिक कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, अपन भी कुब्जा जैसे होंगे। पर ठाकुर जी को एक वक्त बुलाओ तो सही घर में कुब्जा की तरह, एक वक्त बुलाओ कि घर मैंने तेरे लिए रखा है, ये मेरा तन मेरा धन मेरा मन मैंने तेरे लिए रखे, आ जाना। ठाकुर जी कहेंगे यार कुब्जा के पास तो पहले ही गए तो तेरे अलावा मेरे घर कोई है ही नहीं, या दुनिया में तेरे अलावा मेरे पास कोई घर है नहीं रहने को। ठाकुर जी अपने को भी कह गो, क्यों नहीं कह गो कुब्जा की, कुब्जा को काम भाव होना चाहिए, कामो हरि दिदृक्षैव। अपने घर में ठाकुर जी को देखने की इच्छा जेन्युइन यदि अपने में है कुब्जा के जैसी,
ठाकुर जी अपने को भी प्रॉमिस देगा कि आऊंगा, तेरे से अलावा मेरे पास कोई और घर नहीं है यहां रहने के लिए। उतनी अपने में कुब्जा प्रकट हो जाए ना, तो अपन पुष्टि मार्ग में आगे चल पड़ेंगे। हो गालियां तो दे रहे हैं, पर यह रहस्य को समझो कि कुब्जा कितना बड़ो कैरेक्टर है कि जाके सामने भगवान ये कह रहे हो कि मेरे एक्चुअली शरण शब्द वापरियो है, तेरे अलावा मेरे कोई शरण नहीं है यहां। ये कुब्जा शरण है कृष्ण की। ठाकुर जी कह रहे हो कि ना मेरे तेरे अलावा कोई शरण नहीं है मथुरा में। ये बात गोपिन को नहीं कही, ये बात राधा को नहीं कही, ये बात कुब्जा को कही है कृष्ण ने। एक वक्त कुब्जा कुब्जास्मी ऐसा आइडेंटिफिकेशन करो। कृष्ण कहेगो कि तेरे घर के अलावा मेरे को यहां रहने को कोई दूसरा घर नहीं है। यानी उग्र प्रताप महाप्रभु जी को अपने में प्रकट होएगो ना, तो अपने को अपने आप को कुब्जा से आइडेंटिफाई करना आएगो कि अपना तन मन धन कुछ सब वक्र होएगो, अन्य विनियोग में होएगो, अनिवेदित होएगो। अरे है तो है अनिवेदित, अतोन्य विनियोगे पी चिंता का सस्य सो पीछे। तो अपना उग्र प्रताप कैसा है वाकु ध्यान से देखो कि अपन कुब जाएंगे तो कृष्ण अपने घर आ नहीं सके क्या, बड़ी मस्ती से आएगो, सीधो कर देगो। ट्रैक्शन कियो के क्या कियो पता नहीं, आज की तारीख में आपको ट्रैक्शन अपन कह सके कि पैर पे पैर रख के कुब्जा के ठुड्डी पकड़ के ऐसा ऊंचो कियो कि वह सब टेढ़ोपन ठीक हो गयो, अपना भी ट्रैक्शन कर देगो। अपने सारे कुब्जापन जो है वो कृष्ण अपना दूर कर सके। आवश्यकता सिर्फ कुब्जा के तरह एक वक्त ये भाव जगने की है कि मैं तेरे बिना बहुत तड़प रही हूं, मेरे घर क्यों नहीं आवे, क्यों नहीं आवे। और वो कहेगा कि तेरे घर के अलावा मेरे पास कोई दूसरा घर ही नहीं है। कभी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि मत सोचो, अहम कुब्जास्मि सोचो। मैं तो यहां तक भूल जाओ अहम ब्रह्मास्मि सोचने को। महात्म्य ज्ञान के तहत है अपन अहम ब्रह्मास्मि, पर कृष्ण लीला के तहत अपने में यह भाव जगना चाहिए कि अहम कुब्जास्मि। एक वक्त तो आ यार घर पे, क्या चक्कर है, तेरे बिना रहा नहीं जाए। आएगो कृष्ण आएगो, क्यों नहीं आएगो। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये उग्र प्रताप महाप्रभु जी को है। और ये साइनेस्थेसिया द्वारकेश जी को या उग्र प्रताप में दिख हो रहे हो कि कृष्ण की कुब्जा लीला दिख रही है उग्र प्रताप में। इनको साइनेस्थेसिया देखने लायक है, वंडरफुल साइनेस्थेसिया है द्वारकेश जी को। वो कह रहे हैं कि राजस्व प्रकरण अंतर्गत, अब देखो ये तामस प्रकरण नहीं है, राजस प्रकरण है। राजस प्रकरण होने के कारण वहां को राजस भाव है, प्रेम को भाव नहीं है, काम भाव राजस भाव है। पर राजस भाव को भगवान फुलफिल नहीं करे ऐसे थोड़ी है, करे ना। अंतर कितना है जो मैंने आपको समझायो कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को अपन कृष्ण से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कृष्ण की अर्ज को अपन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से भी सेटिस्फाई कर सके। अपने लड्डू पूड़ी खाने के शौक को अपन कृष्ण भक्ति से सेटिस्फाई नहीं करेंगे हवेली चला के, पर कृष्ण की जो सेवा कर रहे हैं वहां में लड्डू पूड़ी अपन क्यों नहीं खा सके। शादी करने के लिए अपन ऐसा ब्रह्म संबंध नहीं लेंगे, बात समझ में आई ना। ब्रह्म संबंध लियो है तो ऐसा एक लाइफ पार्टनर मुझको चाहिए कि जो मेरे कृष्ण सेवा को पार्टनर हो। वालिए ब्रह्म संबंध लियो है और वहां में है पत्नी को नाम है, लेंगे ना। वहां को हर आइटम को अपन जो एन्यूमरेटेड आइटम है वाला आइटम को अपन इकट्ठी करेंगे। काय को त्याग करें, कोई बेवकूफ त्याग करे, अपन क्यों त्याग करें। अपन कुछ जाए अपन बुला सके वाकू, मेरी वाइफ है, मेरे पति है, मेरे बच्चा है, मेरे घर है, मेरे धन है, आओ भलो भयो घर संपत्ति भाड़ी, सूरदास जी के आओ सब हाजिर है तेरे लिए, रहिए मेरे ही महल, अनंत जान जाइए, सेवा सामग्री वसन आभूषण सब विद राखों की टहल, अनंत जाइए, चतुर बिहारी गिरधारी प्रिया की रावरी यही टहल, आ जाओ एक दिन होएंगे अपन कुब्जा, क्या फर्क पड़े। आखो ये भाव है, हो नहीं गए हैं
ब्रज भागवत पढ़ के देख लो, रास लीला के लिए कोई गोपीकांत के घर ठाकुर जी नहीं गए, यदि वो प्रेम वाली होती। तो एक बात ध्यान से समझो, अपन भेद कर रहे हैं, वो आइडियली भेद अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि काम को कभी प्रेम में खपाना नहीं चाहिए और प्रेम को कभी कामोपाधिक बनाना नहीं चाहिए। पर मैंने यही लिए सारी बात बताई, साइकोलॉजी को विषय मैंने यहां इंट्रोड्यूस या लिए कियो कि बेसिकली यदि फ्राइड कह रहे हो वो सच है, या पावर की बात रसेल कह रहे हो वो सच है, जो भी बात सच होए इट्स इमटेरियल, या मैं जैसे जीजी विशा की बात कर रहे हूं वो सच होए, जो भी बात सच होए, कंपोनेंट फैक्टर कुछ भी होए, वाक्य द्वारा जब एक कंपोजिट आखी एक नई चीज अपने हाथ में आई है, वाकू वाकी जो है वो नॉवेल्टी को रैलिश करते अपने को आना चाहिए। समझो मेरो काम भी भक्ति में डेवलप हो गए हो तो भक्ति है, फिर काम नहीं है। मूल में शायद काम हो सके पर काम के लिए भक्ति नहीं करूंगो, भक्ति है वासु काम कर रहे हो, बात समझ में। भोजन करने के लिए भोग नहीं धरूंगो, भोग धर्यो है वासु भोजन करूंगो। क्यों नहीं भोजन करूं? बात में फर्क है। हाँ, मैं जब भोग भोजन करने के लिए भोग धर रहे हूं तो मेरा काम है, और जब भोग धर्यो है वासु भोजन कर रहे हो तो मेरा काम नहीं है। अब सहज संभव है, सहज संभव है कि पहले मुकु भोजन करने की इच्छा है, महाप्रभु जी ने भी वाको वही पैरामीटर बांधे हैं कि यद्यष्टतम लोके यच्छाति प्रियमात्मना येनस्या निवृत्ति चीज है। जो आइटम तुमको अच्छी लगती हो, ढोकला तुमको अच्छा लगता है ढोकला भोग धरो, चना तुमको अच्छा लगता है चना भोग धरो, मूंगफली अच्छी लगती हो मूंगफली भोग, जो तुमको अच्छी लगती हो वो ठाकुर जी के साथ शेयर करो, शेयर करने के बाद तुम वाकू खाओ। तो वा में कामोपाधिक नहीं है, उपाधिकता ऐसे नहीं आवे। उपाधिकता कैसे आवे? कि भोग धरना अपन खाने के लिए धर रहे हो तो खाने के लिए भोग धर रहे हैं, पर भोग धर्यो है या लिए खा रहे हैं, और कौन सी चीज अच्छी है वाको डिसाइड अपन सेवा विधि पढ़ने से पहले, कौन सी चीज तुमको अच्छी लग रही है वासु सेवा करनी चाहिए। अपन को पता है कि नल को जल में कीड़ा खदबद रहे हैं और अपन कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जल जो है वो कुआ के बिना कुआ के जल में कीड़ा खदबद रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो है वो कुआ के जल के बिना झारी नहीं है रोक सके, अपन जो है ये बॉटल में जाके जल पिए, कौन सी बॉटल आवे वो बिस्लेरी को, तो मतलब बदमाशी है ना, तुम्हारे में कुब्जा होने की लायकत नहीं है। तुम यदि पीते हो ना कुआ को जल, कीड़ा सुखदबत तो, और ठाकुर जी को कुमार मेरे पास दूसरा कोई जल नहीं कुआ के कीड़ा से खदबत के अलावा, एक दिन पीने आ ठाकुर जी क्यों नहीं रोक सके। तो तुम बिस्लरी को जल पी रहे हो, तुम तपेली में रसोई बना के खा रहे हो, ठाकुर जी को जो भोग धर रहे हो नौकरन के पगार में जा रहे हो है, तो ठाकुर जी को जो भोग धर रहे हो सखड़ी को वो नौकरन के पगार में जाने की बात हो तो ठाकुर जी को तुमने ट्रीट कैसे किया? नौकर से ज्यादा कोई बहुत ऊंची ग्रेड तुमने ठाकुर जी की मानी नहीं। नौकर के पगार के लिए ठाकुर जी को सखड़ी भोगावे और तुमको खाने के लिए तपेली में अलग बने। अपन के हम ऐसे गोपिन के प्रेम की ध्वजा, गोपिन के प्रेम कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरु साधनंच तल, हम गोपिकांत के प्रेम पंथ के अन्यारे मारे लपड़। गोपिका को प्रेम तुमसे हो सकेगा कभी? यदि तुमसे हो सकते हो तो तुमने अपने तपेली को खाना अलग क्यों बनायो? और जो ठाकुर जी को भोग आ रहे हो वो काय को तुमने नौकरन को पगार के तरीके दियो? पोल तो वहीं खुल गई, तुम्हारी सारी सारी पोल खुल गई। एक बात समझो, कुब्जा कॉस्मेटिक सर्जरी करावे नहीं गई थी,
कुब्जा कॉस्मेटिक सर्जरी करावे नहीं गई थी, जैसी हती ऐसी वाने कृष्ण को कही कि यार तेरे पे मेरा मन चल गया, तू आ जा मेरे घर। और कृष्ण ने कही कि अच्छा मैं आऊंगा, तेरे को पहले ठीक कर दूं, मैं ठीक करूं। कुब्जा ने नहीं रिक्वेस्ट करी, कुब्जा ने यह नहीं कही कि मुझको ठीक कर या लिए तू आ मेरे घर। कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अरवाने नहीं कृष्ण को कही है, कृष्ण ने कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी और वाने कही कि यार तेरे जैसा अच्छा सुंदर मुझको लड़का कोई दिख नहीं रहा, तू मेरे घर क्यों नहीं आवे। वाली कृष्ण गयो, वाको उपाधिक नहीं है, काम भी जो है, काम भी जो है वाको वो स्वार्थोपाधिक नहीं है, कृष्णोपाधिक है। कृष्ण पे वाकू काम जग्यो है, काम पे वाने कृष्ण को बलिदान नहीं किया, काम की बलिवेदी पे। ये एक रहस्य समझो, लीला में वो काम प्रकट किया है, वो तो अंतर्ग्रहगता ने भी कियो। और एक बात ध्यान समझो कि भागवतकार स्पष्ट या बात को कह है कि जा वक्त काम सु भजो तो कृष्ण जो है वो तुम्हारे को अपने में मर्ज कर लेगो, और प्रेम से भजो तो कृष्ण तुमको मर्ज नहीं करके प्रेम करवा तो रहेगो। वाको मूल कारण ध्यान से समझो क्या है, मैंने कल याली आपको एट लेंथ डिटेल में समझायो कि जो भी एक्शन फास्ट होवे है वो वस्तु को जल्दी खत्म करे है, और जो एक्शन स्लो होवे है वो वस्तु को भी ज्यादा देर टिकावे है। वाको एक सीधो से उदाहरण के बाल माथे पे जल्दी उग जाए तो टाल भी जल्दी पड़े, और दाढ़ी पीछे से हो गए तो 100 बरस के बुढ़ान को भी दाढ़ी पे टाल नहीं पड़ती होवे, पड़े 30-40 बरस में टाल पड़नी शुरू हो जाए। देखो यहां पड़ रही है टाल अब, क्योंकि बाल पहले उगयो, जल्दी उगयो, जल्दी उगयो करके जल्दी टाल पड़े, दाढ़ी पीछे से उगे बाकी टाल जल्दी नहीं पड़े, बहुत मुश्किल से कोई कोई टाल पड़ती होगी। तो जो फास्ट है पैदा हुए है वाको टर्मिनल पॉइंट भी फास्ट आवे है, और जो स्लोली हुए है वो खत्म भी स्लो हुए है। प्रेम जो है हर वक्त यही लिए अपने यहां स्लो प्रोसेस है, काम जो है वो फास्ट प्रोसेस है। जो डिफरेंस है बेसिकली काम और प्रेम को वो सिर्फ इतना ही है कि काम जो है वो फास्टर हुए है करके काम सेटिस्फाइड होते ही डिससेटिस्फेक्शन भी फास्टर हुए है, और प्रेम जो है वो इतनो लिंगर ऑन प्रोसेस है कि वो जल्दी से पैदा ही नहीं हुए, बरसन साथ रहो तब जाके प्रेम की जो इक्वेशन है वो। बात को ध्यान से समझो, काम और काम जो है ना इतरे तर्क के एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति खिंचाव के कारण हो रहे हो, जितनो खिंचाव फास्ट उतनो काम को भाव भी फास्ट होएगो, और वो टिकेगा नहीं पाछो क्योंकि बहुत फास्ट हो जाए, उतना फास्ट हो जाए करके क्या हुआ है, इतने तरह कर्षण से पैदा हो तो भयो काम तुरंत ही शांत भी हो जाए। प्रेम इतने तरह कर्षण से पैदा होती बात नहीं है, प्रेम हुआ है इतने तरह व लंबन वो इतरे तरह अवलंबन में इतरे तरह श्रितता वो इतरे तरह श्रितता के कारण इतरे तर प्रेम हुए। बहुत स्लो प्रोसेस है, अपन को एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़े, एक दूसरे पे एक दूसरे को लेना पड़े है, अवलंबन सहारा लेना पड़े, वह सहारा लेने के कारण अपने में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आती हो वह कि वाके बिना अपना चले नहीं है, और वाके कारण वो लॉन्ग प्रोसेस में जब अपन एक दूसरे पे इतने तरह श्रित हो जाए हैं
वा प्रक्रिया में प्रेम पैदा होते हुए, बहुत स्लो प्रोसेस है, एकदम दाढ़ी उगने जैसी स्लो प्रोसेस है, करके वाकी टाल जल्दी नहीं पड़े। और काम जो है वो आकर्षण भयो नहीं, मैंने बच्चा थोड़ा टालिया भी पैदा हुआ है ना, पर महीना डेढ़ महीना दो महीना में अच्छे खासे बाल माथा पे दिखाना शुरू कर दे फटाफट, और 20-30 बरस में टाल पड़नी भी पाछी शुरू हो जाए। चक्कर ये है, तो इतने तरह कर्षण सु पैदा हो तो जो है ना वो खींचे है पर टिका नहीं रखे। खींचना एक अलग चीज है और पकड़ना एक अलग चीज है। खींचे तो कोई भी चीज, बात समझ में आई? तो काम भाव जो है वो इतरे तरह कर्षण को भाव है, इतरे तरह व लंबन वामे होवे है, टेम्पररी होवे है, लिंगर नहीं हो सके। यदि लिंगर हो रहे है तो वही काम भाव अंत में प्रेम भाव बन जाएगा। यदि वो लिंगर हो गयो, जैसे शेर, मैंने वाली एक क्लिप दिखाई, इनिशियल स्टेज में वह शेर को इनसे कोई प्रेम होएगा नहीं, ये खाना खिलाते थे और वो खाना खाना पेट वा को इनसे भरतो तो। पर एक जंचर पे शेर को रियलाइज भयो कि ये यदि खाना नहीं खिलाए मुको तो मैं भूखो मर जाऊंगा, वाके कारण वहां में इतरे तराव लंबन पैदा भयो। वह इतरे व तराव लंबन बहुत अरसा तक चलियो, करके वाकू मनुष्य से इतना प्रेम हो गयो कि वो अपनी मेल के तरफ फीमेल के तरफ उतने तेजी से नहीं दौड़ रहे है जितना मनुष्य के तरफ दौड़ रहे है। वो जो दौड़ है ना वो प्रेम की दौड़ है, वो काम की दौड़ नहीं है। वाकू क्या लेने अब जंगल में अपने आनंद से रह रहे हो, दमखम से रह रहे हो, शिकार करके खा रहे हो, इनके इनके दिए भाई टुकड़ा नहीं चाट रहे हो, वो शेर इनके दिए टुकड़ा नहीं चाट रहे हो, अपने दमखम से शिकार करके खा रहे हो, पर प्रेम हो गयो ना, यानी अपने स्वावलंबी होने के बावजूद भी प्रेम टूट नहीं रहे है। और काम हो तो ना तो टूट जाता। बस जो रहस्य काम और प्रेम को, वृत्ति एक ही है, जैसे फ्रॉयड कह रहे हैं कि सेक्स ही जो है मूल है, अरे इनिशियल स्टेज पे वो सेक्स होएगो, पर वह सेक्स के कारण इतरे तरह व लंबन पैदा भयो, इतरे तरह व लंबन के कारण इतरे तरह श्रेय पैदा भयो, एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी आई, म्यूचुअल सपोर्ट आयो, म्यूचुअल डिपेंडेंसी आई, और वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी यदि लिंगर ऑन हो रही है तो इतरे तर प्रेम में वो कल्मिनेट हो जाएगा। वा बखत वा की केमिकल एनालिसिस करो, मैंने यही लिए आपको बतायो कि काम की एनालिसिस करें तो दूसरे केमिकल्स हैं, और रति की एनालिसिस करें तो वाके दूसरे केमिकल्स हैं, और भक्ति की एनालिसिस करो केमिकल तो वाके तीसरे कोई एनालिसिस मिलेंगे, वो के वही नहीं मिलेंगे। एक बात ध्यान से समझो कि बच्चा जा बखत अपने को खुद को चाह रहे है, वा बखत के वाके हार्मोनल सीक्रेशन कुछ दूसरे जात के हैं, अपने माँ बाप को जब चाह रहे हो वह वक्त के हार्मोनल सीक्रेशन दूसरे जात के हैं, और जब वो कोई हेट्रोसेक्स को चाह रहे हो वह वक्त हार्मोनल सीक्रेशन कोई दूसरे जात के हो जाएंगे, वो साइमी नहीं रहेंगे, स्नेह वही डेवलप भयो है वहां तक, पर सीक्रेशन बदल जाएंगे, और जब सीक्रेशन बदल गए तब बाकी स्टोरी वही नहीं रह जाए है, ये बात समझनी चाहिए। या लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इश्क दुस्वार है, हासिल हवस आसानी से। इश्क स्नेह प्रेम दुस्वार है, जल्दी अवेलेबल नहीं है। हासिल हवस, हवस यानी काम, लस्ट, आसानी से हरेक को हासिल है। फर्स्ट एनकाउंटर में ही अपने को काम पैदा हो जाए, फर्स्ट एनकाउंटर में जो कह रहे हैं कि प्रेम हो रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, वो तो लैंग्वेज है एक दूसरे को चीट करने की, देखते ही प्रेम हो गया। देखते कोई प्रेम हुआ यार? प्रेम हुआ ही नहीं, देखते ही काम पैदा हुआ है। ढोकला को देखते ही जो जीभ में लार आई ना, वो ढोकला को काम है, वो प्रेम नहीं है। ढोकला नहीं भी दिखे और कोई ने कह दियो क्या ढोकला बनेगो तो 2 माइल चल के जाएगा, क्या ढोकला बनेगो तो ढोकला पे प्रेम है। बात समझ में आ रही है? बात ढोकला पे काम एक अलग कथा है,
और ढोकला पे प्रेम एक अलग कथा है, अपन प्रेम और काम को एक ढंग से खपा में है, प्रेम और काम एक चीज नहीं है, इश्क दुस्वार है, हासिल हवस आसानी से, हवस जो है वो आसानी से हासिल हो जाए, क्योंकि सुगंध आ जाए ना, बघार लगे ना तब भी जीभ में पानी आ जाता हुए, अभी तो यार बघार लग रहे हो अभी काय को पानी आए, बघार लगे हो ना वहां को भी पानी आते हुए, तो इश्क दुश्वार है, हासिल हवस आसानी से, हसरते माशूक में दोनों छिपे कहानी से, माशूक मन जो प्रीतम है वाकी जो अपने को इच्छा हो रही है वह में कहीं इश्क भी छुपे भयो है और कहीं हवस भी छुपी भई है, ऐसा नहीं है कि प्रेम में काम नहीं हो सके या काम में प्रेम नहीं हो सके है, दोनों में दोनों छुपे भय हैं, दोनों में दोनों छुपे भय हैं, पर जो फटाफट हो रहा है वो काम है, और जब बहुत देर से धीरे 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 डिपेंडेंसी होते होते ऐसे हो जाए कि 70-70 वर्ष के डोकरा डोकरी है फिर भी उन दोनों को प्रेम हो है, भले काम हो कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंसी डेवलप हो गई ना, और जहां डिपेंडेंसी डेवलप नहीं भाई वहां डिवोर्स की इच्छा हो जाएगी, अब तो अभी हमें रहे ही नहीं, अब बुढ़िया हो गई वाको, अब क्या करना, तो जो आवश्यकता प्रेम की है वो इतरेतर निर्भरता की है, वो सिर्फ इतरेतर आकर्षण तक सीमित नहीं है, या लिए पर स्वर्ग सु स्वर्ग के नुकसान से बचना मुश्किल है और पृथ्वी के फायदा से बचना मुश्किल है, पर स्वर्ग और पृथ्वी एक ही, अलग नहीं है, प्रेम स्वर्ग है, काम जो है वो पृथ्वी है, काम के फायदा से बचना बहुत मुश्किल है और प्रेम के नुकसान से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेम में आदमी पागल भयो तो मजनू हो जाए, काम में पागल भयो तो मजनू नहीं हो जाए, रैप करे एसिड छाट दे, डिफरेंस समझो, प्रेम को पागल जो है ना वो मजनू हो जाए दर दर भटके, और काम को पागल जो है वो मजनू नहीं हो जाए, ऐसे छाट के मुंह जला दे के क्यों नहीं ना पड़ रही है, मर्डर कर जावे जाके, पागलपन दोनों में आवे, काम में भी आवे प्रेम में भी आवे, पर दोनों के बिहेवियर जो है वहां में बेसिक डिफरेंस है, या बात को अपने को समझना चाहिए, तो वालिए कुब्जा के काम है प्रेम नहीं है, यह बात कही बात सच्ची है, कृष्ण जो है वो प्रेम सु ही मिले है, काम सु नहीं मिले है, यह साधन की मर्यादा है, पर उग्र प्रताप वाको ऐसा है कि वो इतनो सोबर शेर के जैसो पास काम के पास भी हो सके, वाको उग्र प्रताप है, क्योंकि सर्वं खलु इदम ब्रह्मा, ये सारो विकास जो है नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, कृष्ण अपनी आत्मरति को प्रेम में भी खोज सके है, कृष्ण अपनी आत्मरति को कोई के काम में भी खोज सके है, अपने बाप की ये ताकत नहीं है कि कोई के काम में अपन अपनी आत्मरति खोज सके, ये वाको उग्र प्रताप है, और ये वहां उग्र प्रताप इनको यहां दिख रहे है महाप्रभु जी के उग्र प्रताप में, कि कृष्ण के प्रति काम जो है वो अच्छी बात नहीं है, पर महाप्रभु जी भी कबूल इतना तो करी गई कि कहीं कामो हरि दिदृक्ष ही वह, अपने यहां को जो काम है भक्ति में वो कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण को देखे बिना जो अपने मन में तड़प पैदा हो रही है वो अपने कृष्ण को काम है, तो वो जो काम है वो कामो हरि दिदृक्ष ही वह, वो जो है काम को भी अपने यहां भक्ति के तहत कोई स्कोप तो है ना, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में काम है ही नहीं, अपन ये नहीं कह रहे हैं, काम हो सके पर प्रेम जन्य काम प्रेमात्मक है, काम जन्य प्रेम भी पाछो कामात्मक होएगो, यह रहस्य को अपने को समझना चाहिए, यह लीला उग्र प्रताप की लीला है, काम क्यों नहीं निभे वाको कारण समझो, कह तो देते हैं दोनों हैं एक दूजे के लिए, कह तो देते हैं कि हम दोनों हैं एक दूजे के लिए, रिश्ता निभता नहीं दोनों की नातवानी से, रिश्ता निभता नहीं दोनों की नातवानी से, काम में भी अपन ऐसे कह दे कि हाँ तू मेरे लिए है मैं तेरे लिए, अपन को जो है वो भोज राशस्त्री भाव, दोनों तरह के राशस्त्री भाव है, भोग्य भोक्तृ भाव दोनों है,
नहीं हो सके काम में, ऐसी बात नहीं है, काम में भी हो सके कि तू मेरे लिए मैं तेरे लिए हूं। वो कह दे है पर निभाना मुश्किल है, जबकि प्रेम वाला वाकू निभा जाए, मीरा की तरह निभा जाए छल्ले तक वाकू, प्रेम वाला निभा सके, काम वाला वाकू निभा नहीं सके। एक जंक्चर पे जब वाकू लगे कि मेरे अनुकूल नहीं है, दत्त तेरी की हो जाए। काम में वो टूट सके, कह तो देते हैं दोनों हैं एक दूजे के लिए, रिश्ता निपटा नहीं दोनों की नातवानी से, दोनों में वो काम के कारण कोई या तरीके की कमजोरी आ जाए है कि वो दोनों मानते हो, कहते भी हों एक दूसरे को कि हाँ मैं तेरे लिए हूं तू मेरे लिए, और रिश्ता निभना मुश्किल है, जबकि प्रेम में वो टूटना मुश्किल है। चक्कर ये है, यहां निभना मुश्किल है, निभ भी सके नहीं निभ सके ऐसी बात नहीं है, पर मुश्किल है, दुश्वार है, और वहां टूटना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ बहुत ही कोई ड्रास्टिक कोई भूकंप आ गए हो तो प्रेम टूटे तो टूटे, नहीं तो प्रेम नहीं टूट सके। ये आखो या को रहस्य काम और प्रेम को, ये आखो रहस्य कुब्जा को और गोपीन को, वो भले त्रिवक्रा त्रिवक्रा है को काम तो है कृष्ण के लिए, एक वक्त मेरे घर आ, और कृष्ण वाकू अपने उग्र प्रताप सुवा के घर जाने के लिए तैयार है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। दूसरो अध्याय में जहां याकू धर्मी कहो है, या अध्याय को या एपिसोड को नाम है धर्मी की लीला। धर्मी की लीला क्यों? क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में सर्वात्मकता है, कृष्ण के स्वरूप में सर्वात्मकता है, मैं यही लिए सर्वात्मकता आपको पहले बता चुके हो, सर्वात्मकता होने के कारण वो सबको एक्सेप्ट कर सके है, अपने रूप में वो सर्वात्मकता प्रकट नहीं भैया करके अपन को कुब्जा प्रपोजल धरे ना प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि अपने को ऐसा लगे कि और कोई मिले ही नहीं तुमको मेरे अलावा, अपने को यह भाव आवे। कृष्ण को यो नहीं, कृष्ण को यह भाव क्यों नहीं जगे, अपने बायोडेटा अपन सप्लाई करें और कोई अच्छे खूबसूरत लड़का को, पढ़े लिखे कमाते वाले लड़का को अपन कहें कि भाई हम कुब्जा है मैरिज का प्रपोजल है, तो वो क्या कहेगो कि कुब्जा है यार, कुब्जा को ढूंढ ना, मेरे को काहे को ढूंढे, कोड़ी कोड़ी को ढूंढे, पागल पागल को ढूंढे, डायबिटीज वाले डायबिटीज वाले को ढूंढे, ख्याल में आयो, बुढ़ो बुढ़े को ढूंढे, बुढ़िया को ढूंढे, क्यों? वाको कारण है सीधो कि अपने को ये तुरंत फीलिंग आ जाए कि मेरे अलावा कोई मिले नहीं क्या तुमको, और प्रेम में यह प्रश्न नहीं पैदा हुआ है। प्रेम में यह प्रश्न क्यों नहीं पैदा हुआ है? वाको सीधो कारण है कि प्रेम जल्दी से पैदा ही नहीं हुआ है, और पैदा हो गयो तो फिर यह प्रश्न नहीं उठे कि मेरे अलावा कोई नहीं मिलो, क्योंकि कैसो है क्या है यह इश्यू नहीं है, वहां गुण धर्म की लीला नहीं हो रही है, धर्मी की लीला हो रही है। करके ये आखो एपिसोड महाप्रभु जी कह रहे हैं धर्मी को एपिसोड है। अब कुब्जा में धर्मी कहां से दिखे महाप्रभु जी को? वहां से सारी पोल खुलेगी। कुब्जा की लीला जो है वो धर्मी की लीला है, गुण धर्म की लीला नहीं है, ऐश्वर्य की लीला नहीं है, वीर की लीला नहीं है, यश की लीला नहीं है, धर्मी की लीला है। इन अदर वर्ड जाको अपन प्रमेय कह रहे हैं वो प्रमेय की लीला है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आंखों महाप्रभु जी कैसे बोले हैं, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। कई वक्त महाप्रभु जी ऐसे ढंग से व्याख्या करें कि अपन मिसगाइड हो जाए, पर महाप्रभु जी को सारो महाप्रभु जी ने यही लिए अपना पाणिनी की तरह आंखों सेटअप बतायो है कि इको यणची, पर यण काय को कह रहे हो वो संज्ञा प्रकरण में बतायो है ना। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं शास्त्रे स्कंदे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे क्षरे एकार्थम सप्तधा ध्यानन। ये अध्याय काय को अध्याय है? धर्मी को अध्याय है। अब धर्मी के अध्याय में सब बात धर्मी की आ रही है, धर्म की नहीं आ रही है। कृष्ण को स्वरूप ऐसा है कुब्जा रति विवर्धन, धर्मी को स्वरूप ऐसा है कि कुब्जा रति विवर्धन है। तो ये बात अपन समझ सके, वहां से वो बात अपने को पता चलेगी, जहां वो कह रहे हैं कि दुर्भगेदम अयाचेत, भागवत का गाली दे रहे कि बेवकूफ है, कृष्ण जैसा कृष्ण मिले वासु
काम मांगियो, प्रेम नहीं मांगियो। मांगती प्रेम तो प्रेम नहीं देते का कृष्ण, दुर्भगा है, फूटे भाग्य की है। महाप्रभु जी कह रहे हैं फूटे भाग्य की, काम काम मांगियो, प्रेम नहीं मांगियो कृष्ण से। देने वालों कौन है? वहां से सारा रहस्य खुलेगा। दुर्भगा अपन नहीं है क्या? न अपने में प्रेम है, न अपने में समर्पण है, न अपने में शुद्धि है, न अपने में आचार है। दुर्भगेदम अयाचयत। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं बात को ध्यान से समझो, कि सेवा तुम कृष्ण की कब करो, कि समर्पण की एक लॉन्ग प्रोसेस में तुम ढल जाओ, वो लिंगर ऑन करती रही सेवा की, तो वो जो तुम्हारा ठाकुर है वो तुम पे आश्रित हो जाएगो, तुम तुम्हारे पे ठाकुर पे आश्रित हो जाओगे, तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा अवलंबन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मूर्ति तुमने मेरी घड़ी है, तुमको पता है कि ये मेरे लिए मूर्ति प्रकट भई है। इतरे तराश्रित हो, इतरे तरावलंबित हो, और वह समर्पण की प्रक्रिया सु जो कुछ तुम तुम्हारो दारा गाढ़ पुत्र आप्त वित्ते है वो ठाकुर जी के लिए है, और जो कुछ ठाकुर जी को है वो तुम्हारे लिए है। वह में जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी पैदा हो रही है, वह की जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वह लॉन्ग प्रोसेस को महाप्रभु जी डिफाइन कर रहे हैं कि तत्सिद्धे तनुवित्त जा तत संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। कृष्ण सेवा सदा कार्य। सदा कार्य को क्या मतलब? जस्ट टू इंडिकेट लॉन्ग प्रोसेस है, काम की प्रोसेस नहीं है कि आज जमा रस मनोरथ की रसी जमा का है, आज मनोरथ हो गए और छप्पन भोग कुंडवारा के दर्शन करके प्रसाद ला के सबको बांट रहे कि नाथ द्वारा मां में कुंडवारा भोग धरी ने आया, लियो प्रसाद लियो प्रसाद। प्रसाद सूचे प्रसाद छे, लॉन्ग प्रोसेस है। कृष्ण सेवा सदा कार्य समर्पण पूर्वक, जो कुछ तुम्हारो है, तुम्हारो घर, तुम्हारो धन, तुम्हारो परिवार, वह कृष्ण सेवा में वापरना शुरू करो। वह में कृष्ण की ऐसी डिपेंडेंसी पैदा होनी चाहिए तुम्हारे पे कि रूपा पोरिया की तरह, के रूपा पोरिया ने बेसुराट सुर में गायो नहीं तो शिवनाथ जी को नींद नहीं आई, वो डिपेंडेंसी हो जाए। कोई जितने मां लोरियां गाती होंगी सबके गला कोई लता मंगेशकर के होते होंगे? बड़ी बड़ी औरतों के बड़े बड़े बेसुरे गला हुए। मेरे को एक भाई ने एक दिन कही कि हमारी मां जो है वो आश्रय का पद जैसे गाती थी, ऐसा राग आजकल सुनाई नहीं देता है। तो हम मैं आ रहे हो तो नवी बंबई से यहां बहुत देर साथ गाड़ी में, तो मैंने कई तरह से दृढ़ चरणन का गा के सुनाया, बोले नहीं वो मजा नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा ऐसे गाती थी? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, कुछ और ही ढंग से। कैसे गाती थी? बोले वही तो अब याद नहीं आ रहा, पर वो बहुत अच्छा गाती थी। मैंने क्या गाती भाई? सुरा होगी, मैंने तो सब सुरन में गाया, पर अब कैसे बताऊ तेरे को कि तेरे को माँ के सुर के अलावा कोई सुरी पसंद नहीं आ रहा है। कम से कम मैंने 10 तरह से आपको दृढ़ चरणन के रो गा के सुना है, हर बात को आने के ऐसे नहीं कहो, बहुत अच्छा गाती थी। कैसा गाती थी और गा के बताओ, जितनी और पॉसिबिलिटी विहाग गाने की हो, मैं सब पॉसिबिलिटी मैंने गा के सुनाई, हर वक्त अन्ना पढ़ने ऐसे नहीं, कुछ बहुत अच्छा गाती थी। पर वो क्या है कि बहुत साल तक वाकू सोते वक्त बच्चा को दृढ़ चरणन के रो भरोसा गा के सुनायो, वह वाके अलावा कोई राग पसंद आना वाकू बंद हो गया, वाकू दृढ़ चरणन के रो भरोसा के राग को काम नहीं हो गया, प्रेम हो गया। बात समझ में आई ना? असल में ये रहस्य अपने को समझना चाहिए। तो वही जो काम जो है वो निरंतर चलो तो प्रेम बन जाएगा, और प्रेम को भी अपन खाली डंफास छांट रहे हैं, पर एक मनोरथ करने के लिए, एक भागवत सप्ताह सुनने के लिए कृष्ण प्रेम जगे ना, वो तुम समझ रहे हो कि कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम नहीं है, वो कृष्ण काम है। अब हमें महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि या तरह के काम में कृष्ण पीछे नहीं रह जाए, जब तुम काम सु वाकू अप्रोच कर रहे हो तो। कृष्ण जब तुम सु काम सु अप्रोच मिलना चाहे तो कृष्ण काम सु भी मिल सके है। कृष्ण के साथ एनकाउंटर में ये केयर बरतने की बहुत जरूरत है। या के बाद दूसरा जो अध्याय आ रहे हो है, वो दूसरा अध्याय आ रहे हो है ऐश्वर्य बोधक। और ऐश्वर्य बोधक देखो क्या है, कह रहे हैं कि राजस प्रकरणांतर्गत प्रमेय प्रकरणे भक्तानाम आसक्ति प्रतिबंधक बाह्य भय निवारणार्थम कुवलया पीड़क कृतस्य कुवलया पीड़स्य गज्जदंत वरायुधार्थकत्वेन ऐश्वर्य बोधकत्वात्
दशविध रस विशिष्ट स्वरूप प्रदर्शनस्यापि ऐश्वर्य बोधकत्वात्। या के बाद ठाकुर जी मथुरा में एंटर भय, मथुरा में एंटर भय, भागवत वाक सीधु पूरिता शेष सेवक नाम कि कॉरेस्पॉन्डिंग कृष्ण लीला को साइनेस्थेसिया क्या है वो बता रहे हैं कि जब मथुरा में एंटर भय तो सबसे पूछते गए ठाकुर जी। देखो ध्यान से समझे, बड़ी मजेदार बात है कि उनने त्रिवक्रा कुबरा कुब्जा को सीधी करी है। त्रिवक्रा कुब्जा को जो तीन अंग में टेढ़ी है बाय डिफॉल्ट वह को सीधी करी है स्ट्रेच की टेक्निक से। अब ठाकुर जी ने रिहर्सल कर लिया है ना तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि धनुष भी टेढ़ो होएगो ना ऐसो ठीक कर दो। सबसे पूछते गए धनुष का है, धनुष का है बता। अंत में कोई ने बता दियो कि धनुष वहां रखियो भयो है जो वह फेस्टिवल की मेन आइटम होती है। भगवान ने कही अच्छा रिहर्सल तो हो गए अब परफॉर्मेंस दो। खूब जा पे रिहर्सल कर लिया अपन ने, धनुष में जाके परफॉर्मेंस देके तोड़ दियो। सीधे को तोड़ दियो, टेढ़े को सीधो कियो। धनुष सीधो क्या होता बात ध्यान से समझो, तुमको शायद धनुष के प्रिंसिपल नहीं पता होंगे। धनुष को हर वक्त मोड़ के रखो ना तो आपको टेंशन लूज हो जाए। वाली क्या हुआ है कि धनुष के एक एंड पे वाकी रस्सी बंधी हुई हुआ है और वाकू निकाल सके ऐसी हो गए और दूसरो एंड वाकू छुट्टो रखे करके धनुष सीधो रहे। जब तीर छोड़ना हो तो वाकू मोड़ कर वो डोरी पहरा दी जाए, वासु वाको टेंशन बिगड़े नहीं करके जब छोड़े तो वो तीर जो है वो ताकत से छूटे तो वो धनुष नॉर्मली तो सीधो ही हो गए। कुछ ने रिहर्सल करने के बाद वेल परफॉर्मेंस दे दियो, स्टेज पे जाके तोड़ दियो। वहां में कुएलिया पीड़ आ रहे होते तो कुएलिया पीड़ को मारियो। महाप्रभु जी को यहां क्या सूझ रहे हो अपने आचार्य की ब्यूटी देखो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सब बिचारे परेशान थे कि ये कृष्ण ऐसे छोटे बालक क्या तो धनुष करेगो और कैसे वाकू रोकने वाले जो हाथी और सब ये पहलवान है उनको सामना कैसे करेगा, दो मिनट में कुचल दियो जाएगा। पर जब उनने देखियो कि भगवान खुद पूछते भय जा रहे हैं, इंक्वायरी करते भय, तो उनको कोई ऐसी वाणी को पीयूष मिले हो कि भाई इतनी इंक्वायरी कर रहे तो कुछ करेगो, और जब करेगो और रिहर्सल करने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा दे दियो तो सबको तृप्ति हो गई। वाक सीधु पूरिता शेष सेवक, सारे मथुरा के भक्त अटमोस्ट सेटिस्फाइड हो गए, कहते हो गई बात, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये भगवान को ऐश्वर्य है और ये ऐश्वर्य भगवान ने एक रस में नहीं दिखाया, श्रृंगार रस में जितने भी रस की वैरायटी है पूरो जो मैंने पीरियोडिकल चार्ट बनायो इमोशन को, वो सारे इमोशन प्रभु ने वहां अपने एग्जीक्यूट कर दिए हैं और दिखाए हैं। वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो प्रभु को ऐश्वर्य है कि सर्व रसन को प्रभु कॉप अप कर सके हैं। वो कोई प्रभु कोई एक रस में ही बंधे भय नहीं है, सर्व रस है वो सृष्टि की जो लीला है सर्ग लीला में सर्व रस प्रकट भय है। वाकू उनने यहां मिनी स्केल पे पाछी डेमोन्स्ट्रेट करके बता दी कि सब रस मेरे में से प्रकट हो रहे हैं, ये प्रभु को ऐश्वर्य है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य रूप। तीसरी लीला जो है वो राज्य प्रकरण के अंतर्गत जो है वो भक्ता नाम आसक्ति प्रतिबंधक आंतर भय निवारणार्थम कृतस्य मल्ल कंसादि वदस्य केवल वीर्य बोधकत्वात् वीर्य निरूपणम एक चत्वारिंशाध्याय। कंस जो हतो वो थ्रेटनिंग हतो कृष्ण को, क्योंकि कंस जो है वो कृष्ण को मारना चाह रहे हो, पर यदि कृष्ण को तुम चाह रहे हो तो कंस कृष्ण को नहीं मार सकेगो, कृष्ण कंस को मारेगो। तो भक्तन की जो बेसिक इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी है वाकू तुमको दूर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, कृष्ण विल टेक योर केयर। कि तुम्हारी एंग्जाइटी तुमको कभी तुम्हारी प्रेम में तुम्हारे प्रेम के कारण तुमको जो एंग्जाइटी हो रही है वो एंग्जाइटी को दूर कृष्ण कर सके है। तुमको एंग्जाइटी नहीं हो रही है, तुमको खुद कैसे लगा कि सत्ता ने आगे शांतपण ना चाले, हवे कंस मारवा मांगे छे कृष्ण ने तो मरवा दे, मां आपने शू करिए, भगवत इच्छा नु आपने शू खबर पड़े।
तो सचमुच में कृष्ण तो ऐसा है, कहना नहीं चाहिए पर मां गिलिन डरे हो, वो व्याधसु मर भी गयो। व्याधसु मरना भी वाकू आवे है, वाकू कंस को मारना भी आवे है, पर शर्त ये है कि तुम्हारे भीतर कृष्ण को सिक्योर करने की उतनी भावना होनी चाहिए कि नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो, यह धर्म धर्म ही ते पायो। वो नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो कि जो तुम्हारे भीतर कृष्ण को सिक्योर करने की भावना है तो बी एब्सोल्युटली श्योर कि सत्ता कुछ नहीं कर सकेगी तुम्हारो। एक बात समझो कि आज तो सब सरकार जो है ना कानून पे सिग्नेचर करवाती हुए मिनिस्टर के डिक्लेरेशन पे, वा वक्त तो तलवार से गर्दन काटी जी, और ये अपने पुष्टि मार्ग ने अपने एक भी ठाकुर जी खंडित नहीं होने दिए थे, वा को कारण क्या? तो आज क्यों अपने सब ठाकुर जी पब्लिक ट्रस्ट हो गए, वा को मूल कारण क्या है? क्योंकि अपन कृष्ण को सिक्योर नहीं करना चाह रहे हैं करके सरकारी कागजी खाता में अपने ठाकुर जी पब्लिक हो गए, बालकन के नहीं रह गए। वह वक्त तो तलवार से गर्दन काटी जाती थी और मूर्तियां तोड़ी जाती थी, और मूर्ति तोड़ तोड़ के वो मूर्तियों के पत्थरन को ऐसा कसाई के काटने के पत्थर बनाए जाते थे, तब भी अपनो ठाकुर कोई खंडित नहीं भयो तो औरंगजेब के काल में, वह को कारण क्या था? क्योंकि जो सेवा कर रहे थे वो एक लॉन्ग प्रोसेस समर्पण की प्रोसेस, अपनी आत्मा अपनो आत्मी सकुल सब कुछ कृष्ण में वापर के उनने वह कृष्ण में प्रेम जगायो तो करके उनके प्रेम की जो एंग्जाइटी थी वह को कृष्ण ने बचाई। उनने ये नहीं सोचे वह बखत कि व्रज छोड़ देंगे तो ऐसा व्रज के बाद हमारी कृष्ण व्रजाधिप रह जाएगा कि नहीं, उनके मन में यह सिक्योरिटी होती कि व्रजाधिप को जहां ले जाएंगे वहां व्रज पैदा हो जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, अगर लुट गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामाते आहो फुगा और भी हैं, तू शाही है काम परवास तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अरे एक व्रज पे औरंगजेब की दानत बिगड़ी, अपने को 10 व्रज पैदा करने की अपने में शक्ति होनी चाहिए जब व्रजाधिप अपने साथ है। तो अपने साथ आज व्रजाधिप नहीं रहे हो, आज अपन व्रजाधिप को सिक्योर नहीं करना चाह रहे हैं करके व्रज भी खो गए और व्रजाधिप भी खो गए और तुम्हारी भक्ति भी खो गई व्रज की। चक्कर यहां पड़े हुए राजस्था को, समझ में आई ना बात? ये आखो रहस्य है तीसरी लीला को। ये कौन सो है? श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन अक्षम। ये क्षमता तुम्हारे में होनी चाहिए भागवत को पीयूष मंथन करके कि मैं जहां कृष्ण की सेवा कर रहा हूं सदा व्रज ही में करत विहार, सदा व्रज ही में करत विहार, भगवान तुम व्रजाधिप को जहां तुम पधरा के ले जा रहे हो वहां व्रजी पैदा हो जाएगो। कैसे पैदा नहीं होगो व्रज? व्रज को मतलब ये चलतो फिरतो गांव, चलते फिरते नोमाडिक गांव को नाम व्रज है। कृष्ण को लेकर तुम यदि यहां आ गए तो व्रज यहां है, कृष्ण को लेकर वहां चले जाओ तो वहां है, कृष्ण को लेकर तुम जाओ, तुम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को छोड़ के अमेरिका और लंदन जा रहे हो, फिर सबको ऐसा वो दिखाने कि जन्माष्टमी के पंचामृत कैसे हुए और पलना कैसे झूले, तो कृष्ण को तो छोड़ के जा रहे हो, फिर वहां जो जा रही है लीला वीडियो की, वो कृष्ण लीला की वीडियो नहीं है, वो डिजिटल लीला है। कृष्ण लीला नहीं है, डिजिटल कृष्ण लीला कब होगी? जब कृष्ण तुम्हारे साथ है तब कृष्ण लीला होगी। ये रहस्य समझे। वो साइनेस्थेसिया द्वारकेश जी को है, वो साइनेस्थेसिया कृष्ण को महाप्रभु जी को है, वो साइनेस्थेसिया कृष्ण, वह साइनेस्थेसिया में जो भी एंग्जाइटी हो है वह को कृष्ण दूर करने के लिए कमिटेड है, 100% कमिटेड है। अपन कृष्ण से कमिटेड नहीं है, वह की प्रॉब्लम है। चौथी लीला तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह की जो है वह में ये बात आ रही है कि भगवान ऐश्वर्य वाके बाद वीर्य और यश, यश बोधक क्या है? तो वो जो एपिसोड है मथुरा लीला में वहां में कह रहे हैं कि भगवान ने जाके कंस को मारियो इतना ही नहीं, सारे व्रजभक्तन को और नंद वसुदेव देवकी को आश्वासन देने के बावजूद ठाकुर जी ने भक्ति की कभी या लिए इनवाइट नहीं करी कि मुकु कोई राज्य चाहिए है। मारियो तो कंस को कृष्ण ने, मथुरा को शासन कृष्ण ने अपने हाथ में नहीं लियो, उग्रसेन को दियो।
कृष्ण ने कभी राजा बनना नहीं चाहे। अब द्वारका भी गए हैं सबको लेके, राजा नहीं बने, ऑर्डिनरी पार्लियामेंट के मेंबर थे। जब भी कोई कंप्लेन आती तो उनको खड़े होके विनती करनी पड़ती थी कि भाई ये कंप्लेन आई है, यहाँ पे ध्यान दो। कृष्ण कोई राजा नहीं थे द्वारका के, ऑर्डिनरी जो यादवन की पार्लियामेंट थी वहां के एक ऑर्डिनरी मेंबर थे, डिज्यूर डिफेक्ट तो सारी दुनिया के राजा है, वो कथा दूसरी है। डिज्यूर वो द्वारका के भी राजा नहीं हते। ऐसे एक बात ध्यान से समझो कि अपने को जा वक्त ये सोच रहे हैं कि तत्सार भूत राशस्त्री भाव पूरित विग्रह, वह वक्त तो सारे ब्रह्मांड को नायक होए के नहीं होए, वो ब्रह्मांड नायक होने को क्लेम करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारे दिल को नायक है कि नहीं, डिफेक्टो इतना कबूल कर लियो तो कृष्ण बस सारे ब्रह्मांड को नायक है। जा रहा ब्रह्मांड भाड़ में गए, अपने क्या लेना देना ब्रह्मांड से। मेरे दिल को नायक यदि कृष्ण है, मेरे दिल को राजा यदि कृष्ण है, डिफेक्टो डिज्योर कुछ भी होए ना, अल्लाह होए, मुल्ला होए, शिव होए, यहोबा होए, जरथुष्ट होए, जाकू राज करने करो। कभी ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो, सुन ढेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। वह तेरे को एश्योरेंस अपने प्रेम में होना चाहिए, काम में ये एश्योरेंस नहीं आएगो, प्रेम में ये एश्योरेंस आएगो कि कभी ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो। गाम नहीं माने कृष्ण को तो मत मानो, अपने बाप को क्या हुआ, तुम मान रहे हो कि नहीं कृष्ण को, सवाल ये होना चाहिए। ये बात अपने को तत्सार भूत राशस्त्री भाव पूरित विग्रह महाप्रभु जी को नाम समझाना चाह रहे हो है। वो नाम अपन भी शेयर कर सके हैं, यदि वो नाम को अपन या भाव को अपन शेयर करके अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप जा हाथ से सेवा कर रहे हो वो हाथ महाप्रभु जी को हाथ है। आप आंख से दर्शन नहीं कर रहे हो ठाकुर जी के, जहां आंख से आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो वो आंखें महाप्रभु जी की है। जहां वाणी से आप ठाकुर जी को कीर्तन सुना रहे हो वो वाणी आपके मुंह की वाणी नहीं है, वो महाप्रभु जी के मुखारविंद में की जो रही भाई वाणी है वो आपके मुंह में फूट रही है। वेद में बहुत अच्छो एक बहुत अच्छो मंत्र आवे है, मैं आज सुनाना चाहता तो पर टाइम नहीं रहे हो, बहुत अच्छो मंत्र आवे है। वह मंत्र में पूछो है कि मृत्यु क्या है, कौन ने पूछे तो शुरुआत में मृत्यु में, हाँ जयेंद्र भाई, हाँ मृत्यु, मृत्यु क्यों कह रहे हो, बहुत अच्छो वेद को एक्सप्लेनेशन है कि प्राण मृत्यु है। उल्टी बात हो, उल्टी बात, क्योंकि प्राण कैसे मृत्यु हो सके, तो कह के देखो ध्यान से समझो कि प्राण भीतर है तो जीवन है और बाहर निकल गए तो मृत्यु है। अब बाहर निकल गया प्राण तो कोई प्राण नहीं है ऐसे थोड़ी है, बाहर रहो भयो प्राण भीतर आ गयो तो जीवन है और बाहर निकल गयो तो मृत्यु है। और वेद इतना अच्छा कह है कि भीतर रहो भयो प्राण तुम्हारो जीवन रूप ब्रह्म है और बाहर निकले भयो प्राण सर्वव्यापी ब्रह्म है। यहां सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि सारे एटमोस्फियर में जितना ऑक्सीजन है वो फुफ्फड़ अपने फेफसा में भर गया ना तो फेफसा फट जाएगा, वो अपने फेफसा में समा नहीं सके। सो प्राण जो है वो भीतर आयो तो जीवन है और प्राण बाहर गयो तो ब्रह्म है, पर भीतर जो है वो जीवन रूप ब्रह्म है और बाहर जो है वो प्राण मृत्यु रूप ब्रह्म है। बस ये कथा एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। महाप्रभु जी ये सामर्थ्य अपने को दें कि कृष्ण अपनो याद तरीके को प्राण बने कि भीतर भी अपने कृष्ण प्राण रूप से जिए और बाहर भी यदि निकल जाते हो तो मृत्यु भी अपनी कृष्ण रूप मृत्यु है। ये अपने को आचार्य चरण के आश्रय स्वभाव दृढ़ हो सके, आश्रय पद गा के और अपन यहाँ या शिविर को खत्म करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़
इन चरणन के रो साधन और नहीं या कली में जासो ए निवेरो सुर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो महाप्रभु जी के चारों नाम महाप्रभु जी के सब उपदेश अपन ने सोते भय सुने या जागते भय सुने बिना समझे बोलियो या समझ के बोलियो तो महाप्रभु जी की वाणी अपने पे हर वक्त काबिज रहे बस या भाव के साथ अपन यह सत्र को यह समापन करें।